तो गाइस आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ एक और नई सीरीज। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आएगी। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में न्यूज में बताया जाता है कि थर्ड मिडिल मार्शल आर्ट्स एकेडमी ने फॉर्मली ये अनाउंस कर दिया है कि आयरन फिस्ट मार्क का अवॉर्ड किया जाएगा शेन जियान को, जो कि हमारे इस स्कूल का काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है एज अ प्राइज। और इससे पहले आयरन फिस्ट मार्क का ओनर निंग यू हुआ करता था, जो कि हमारे हीरो ग्वान फू का बेटा है। और बात करें इस मार्क के टेम्पररी ओनरशिप के बारे में, तो सारी के सारी दुनिया इस बात को लेकर काफी ज्यादा चिंतित रही है। और इस बारे में जो स्कूल है वो प्रोवाइड कर पाएगा क्लियर आंसर को कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसके अंदर, जहां पर हमारा एमसी एक जगह पर आकर न्यूज देखता है तो काफी सरप्राइज होता है और हम सभी को बताता है कि मेरा नाम निंग यू है। और बात करें मेरे पेरेंट्स के बारे में, तो वो काफी ज्यादा वेल नोन मास्टर हुआ करते थे इस मार्क के, जो कि काफी पावरफुल थे और ओल्ड फोक सिटी में काफी मशहूर भी थे। यह सभी के सभी लोग थर्ड मिडिल मार्शल आर्ट एकेडमी के टीचर भी हुआ करते थे मेरे पेरेंट्स। ये कहानी है 15 साल पहले की, जब अचानक से वहां पर कई सारे मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया, जिससे कि मेरे पेरेंट्स ने उस फॉक्स सिटी को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। और इसलिए दुनिया वालों ने उनकी डेडिकेशन को, यानी कि मेरे पेरेंट की डेडिकेशन को होनर करने के लिए, सम्मान देने के लिए थर्ड मिडिल मार्शल आर्ट एकेडमी ने मुझसे ये वादा किया था कि आयरन फिस्ट मार्क को जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तब वो मुझे प्रोवाइड करवा देंगे और मुझे एक मार्क मास्टर बनने में मेरी मदद करेंगे। लेकिन किसी ने इसके बारे में ये नहीं सोचा था कि कल की न्यूज में जो प्रिंसिपल मैंग चेंग जी है, वो बिना किसी के अनाउंस के, बिना किसी से कुछ पूछे पूछे आयरन फिस्ट मार्क को शेन जियान को अवार्ड के तौर पर देने के लिए मान चुके हैं, जो कि स्कूल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अकेला बेटा है। और जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने इसको कई बार रोकने की कोशिश भी की, डायरेक्टली मैंने प्रिंसिपल मैंग चेंग जी से बात करने की भी कोशिश की, मुझे इस बारे में एक्सप्लेनेशन दे, लेकिन मुझे फोर्सफुली टेम्पररी सस्पेंड कर दिया गया था मेरी स्टडीज से, तो मैं स्कूल भी नहीं जा सकता इस चक्कर में। और ये कहकर निकाल दिया गया था कि निंग युवे तुमने जानबूझकर हमारे एकेडमी के ऑर्डर को डिस्टर्ब करने में लगे हुए हो, इसलिए तुम्हारा कोई भी हक नहीं बनता है इस एकेडमी में आने के लिए, स्कूल में आने के लिए। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर वो एक जगह पर जाया होता है किसी के साथ, और तभी उनमें से वे लोग कहने लगते हैं कि न्यू आखिरकार तुम यहां पर खड़े खड़े क्या करने में लगे हुए हो, हमें रियूज के अंदर जल्दी जाना होगा। और तभी इस एरा के बारे में बताया जाता है कि जहां पर एक ऐसा एरा है जहां पर लोग अपने आप के सर्वाइव करने के लिए रेसेस के कंपीट करते हैं एक दूसरे के साथ। और बात करें ह्यूमन रेस के बारे में, जो कि काफी ज्यादा कमजोर है और बुली किया जाता है मॉन्स्टर्स के द्वारा, और ऑलमोस्ट कई बार तो इसे एक्सटिमेट भी कर दिया जा चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी इंसानियत मरने के लिए तैयार नहीं होती, वो वापस से खड़ी हो जाती है ताकि एक बार फिर से पावरफुल बन सके, लेकिन फिर भी उनकी ताकत इतनी ज्यादा नहीं हो करती थी। लेकिन कुछ समय पहले की बात है, जब किसी बंदे ने किसी मार्क को ढूंढ निकाला था, खोद कर निकाला था, जो कि स्पेशल एबिलिटीज को कंटेन करती है र्यून की फॉर्म में, और ह्यूमन रेस उस समय से काफी पावरफुल बनना चालू हो गई, और उसके बाद उन्होंने अपना कदम इस एरा में बनाना चालू कर दिया। उस मार्क का इस्तेमाल करने के बाद अगर किसी नॉर्मल बंदे को वो दे दिया जाए तो वो काफी पावरफुल बन जाता है, और जो उस मार्क को कंट्रोल करते हैं हम उस दुनिया वाले पूरे के पूरे उसे मार्क मास्टर कहते हैं। जिस बंदे के साथ हमारा एमसी उसके साथ आया होता है, वो उससे कहने लगता है कि हमने ऑलरेडी इस जगह को इन्वेस्टिगेट कर लिया है, यहाँ पर एक फाइन क्वालिटी का मार्क छुपा हुआ है इस रियून के अंदर अंदर, तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं इसे हासिल करने में। भले ही वो शिप लेवल के आयरन फिस्ट मार्क के बराबर नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये काफी ऑर्डिनरी मार्क्स तो उससे तो बेटर ही है कम से कम। निंग यू तुम हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि हम और मैं तुम्हारे और पेरेंट्स हम दोनों एक बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे तुम्हारे पेरेंट्स, और हमारी तुम्हारे पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा मदद की थी पास्ट में, और इसलिए हम तीनों के तीनों अंकल्स यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आए हुए हैं ताकि तुम मार्क मास्टर बन सको। ये बात सुनकर निंग यू उससे कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद थ्री अंकल। जहाँ पर वो उस गुफा के और भी अंदर जाने लगते हैं, तो सामने वाला बंदा उससे कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग मेरे पीछे रहो और सावधान रहना। लेकिन हमारा एमसी को यहाँ पर कुछ डाउट लगने लगता, और घूमते घूमते इन्हें कम से कम एक घंटे से दो घंटे तक का समय निकल जाता है, तो फाइनली हमारा एमसी अब और नहीं झेल पाता और उससे कहने लगता है कि तुम्हें अपनी पावर का मूव दिखाना चाहिए, आखिरकार तुम किसका इंतजार कर रहे हो। ये बात सुनकर उसका अंकल सरप्राइज होकर पीछे मुड़कर देखता है और उससे कहने लगता है कि निंग यू तुम्हारे ये सब कहने का मतलब क्या है, मैं समझ नहीं आ रहा। तो निंग यू उन्हें याद दिलाते उससे कहने लगता है कि तुम तीनों के जो फुटस्टेप है वो अभी तक इस केव के अंदर कभी भी नहीं आए हैं, तुमने तो मुझसे यही कहा था, लेकिन तुमको देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम हर एक एक कदम ऐसे रख रहे हो जैसे कि तुम्हें इस गुफा के बारे में अच्छी तरह से पहले से पता हो। मैंने सही कहा ना, तुम पहले भी मुझसे पहले इस गुफा में आ चुके हो। ये बात सुनकर उसका अंकल उससे कहने लगता है कि भले ही हम लोग यहाँ पर कई बार आ चुके हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम तुम्हारे साथ कुछ करना चाहते हैं। तो निंग यू उससे बताता है और समझाते उससे क्या लगता है कि भले ही तुम यहाँ पर मेरे साथ आए हो, लेकिन तुम ये बात भूल रहे हो कि हम लोग यहाँ पर
सील को ढूंढने के लिए आए हुए हैं, लेकिन तुम इस गुफा में आने से पहले तुमने किसी के भी बारे में, किसी से भी इन्वेस्टिगेट करने के बारे में नहीं पूछा। जब इतने ज्यादा लोगों के बीच में से निकले, गाँव के बीच में से, रोड पर, किसी ने भी तुमने कुछ नहीं पूछा किसी से। और मेरे सबसे मतलब मेरे कहने का मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी चीज को सर्च करने के लिए, वो है सील को, म्यूजियम को ढूंढना यहाँ से आने से पहले। और ये जो माइन हम यहाँ पर आए हुए हैं उसे पहले ही कई सालों पहले अबंडन कर दिया जा चुका है, और तुम कह रहे हो कि यहाँ पर सील्स मौजूद है, लेकिन कहाँ है वो सील? ये बात सुनकर उसका अंकल मुस्कुराते उससे कहने लगता है कि अनएक्सपेक्टेडली तुम तो वाकई में स्मार्ट निकले नहीं हो, लेकिन तुम्हारे लिए मैं एक बहुत ही बुरी खबर देना चाहता हूँ कि तुम भले ही कितने भी स्मार्टर हो, लेकिन तुम जितना ज्यादा स्मार्ट होगे उतना ही जल्दी मरोगे। ये बात सुनकर निंगजी उससे पूछ लगता है कि आखिरकार तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा है, क्या वो शेन जियान है या फिर मैंग चेंग जी? जिसको देखकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और उससे कहने लगता है कि अगर तुम मरने ही वाले हो तो ठीक है, मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर शेन ने मुझे 10 मिलियंस दिए हैं तुम्हें यहाँ पर इस गुफा में लाकर मारने के लिए, और प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन इस बात के लिए मुझे मत ब्लेम करना, यानी कि अपने अंकल्स को। आखिरकार तुम्हारे जो पेरेंट्स जिंदा थे उन्होंने हम पर काफी ज्यादा काइंडनेस दिखाई है, इसलिए उस पास्ट की काइंडनेस के लिए मैं तुम्हें एक ही झटके मारने वाला हूँ, लेकिन हमारे फ्यूचर के वेल्थ के लिए हमें पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है और तुम्हें मरना होगा। और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें क्विक डेथ दे देंगे तो दर्द भी महसूस नहीं होगा। तो हमारा एमसी निंगजू एक बुडल फेंकता है और उससे क्या लगता है कि बहुत होगी तुम्हारी बकवास, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे इस बात के लिए ब्लेम मत करना। और तभी वो बोतल में से अजीब तरह की गैस निकलती है, तो सभी घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं कि डैम इट, ये तो बोन डिजॉल्विंग स्मोक है, हमें जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ के जाना होगा, जल्दी से भागो यहाँ पर, अगर का जो लिटिल बीस्ट है वो हम सभी को वाटर में डिजोल्व करने वाला है। तो निंगजू उनको याद दिलाता है और दूर दूर से मुस्कुराते उससे कहने लगता है कि तुम बेवकूफ कहीं के, मैंने तुम्हारे प्लान को स्टार्टिंग से गैस कर लिया था, तो आखिरकार मैं तैयारी कर क्यों नहीं आता। और उसके साथ दो अंकल जो आए हुए होते हैं वो उस स्मोक के कारण जलना चालू हो जाते हैं, जो कि डरते डरते घबराते उससे कहते हैं कि मेरी बॉडी के साथ ये सब क्या होने में लगा हुआ है। और इसका जो सबसे बड़ा अंकल होता है वो उस पर चिल्लाते उससे कहते हैं कि तुम लिटिल बीस्ट कहीं के, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, अब जाओ और मर जाओ, और अपना हथियार एमसी की तरफ थ्रो कर देते, जिससे कि हमारे एमसी के दाएं कंधे की आई मीन बाएं कंधे की तरफ वो नाइफ घुस जाती है और उसे चोट लग जाती है। और ध्यान से आगे खुलकर देखता है तो पता चलता है कि जिसके साथ वो फाइट करने में लगा हुआ है वो एक सील मास्टर है, और उससे कहने लगता है कि अच्छा तो तुमने अपनी सील को पहले ही एक्टिवेट कर लिया है। तो उसका अंकल उससे कहने लगता है कि ये सब भी मिस्टर सेन के द्वारा हुआ है, उन्होंने मुझे ये कॉमन सील प्रोवाइड करवा दी थी जिससे कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारने में कामयाब रहूंगा। मुझे पता है कि मैं स्पेशल एबिलिटीज का इस्तेमाल नहीं करता इस सील का इस्तेमाल करके, लेकिन मेरी जो बॉडी है वो नॉर्मल बंदे के मुकाबले में काफी स्ट्रॉन्गर बन चुकी है, कम से कम 10 गुना तो बनी चुकी है। भले ही तुमने सब कुछ यहाँ पर गैस बिल्कुल सही किया है, इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा वीकेस्ट सील मास्टर है वो भी तुम्हारे मुकाबले में इनविजिबल है, तुम्हें इतनी आसानी से मारने में कामयाब रहेगा। जिसको सुनकर लिंग यू इससे कहने लगता है कि मुझे लगता है कि आज मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ तुम्हारे हाथों। और उसका अंकल जोर से कूद पड़ता है, उससे अटैक करते हो और कहने लगता है कि तुम क्राफ्टी लिटिल बीस्ट कहीं के, तुमने ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पर मार दिया होता, मैं अब बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ मिलने के लिए भेजने वाला। और इतना ज्यादा शोर और धमाके के कारण वहाँ का आसमान से आई मीन उस गुफा के ऊपर से पत्थर गिरना चालू हो जाते हैं। इसको देखकर ये बंदा काफी ज्यादा शॉक होता है और एक अजीब सी चीज आकर उस बंदे के ऊपर गिर जाती है और वो बंदा वहीं पर निपट लेता है पहली फुर्सत में। इसको देखकर निंगजी ये पूरा कंफ्यूज होता है और वो कॉफिन जैसे दिखने वाली चीज पर अपना हाथ रखते हैं, उससे कहने लगता है कि ये चीज इतनी पावरफुल है कि एक्चुअली में इस बंदे को कूदर के चीतरे उड़ा दिए हैं, लेकिन आखिर का ये चीज है क्या? तभी उसमें से एक अजीब तरीके का निशान बनता है जिसमें इविल और गुड दोनों तरह की एनर्जी निकलने में लगी हुई होती है। इसको देखकर वो काफी शॉक हो जाता है और क्या लगता है कि ये तो कोई सिगिल टाइप की चीज है, और वो कॉफिन वहीं पर खुल जाता है और निंगजू की अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार इसके साथ ये सब चल क्या रहा, और किसी तरीके से अंदर जाने के बाद उसे होश आता तो वह अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाता है जहां पर एक ब्लैक कलर का और एक व्हाइट कलर का दरवाजा होता है, और दोनों तरफ जाने के लिए दो रास्ते होते हैं। और अंदर से आवाज होती है, अरे तुम तो बस एक रेगुलर ह्यूमन। जिस बात को सुनकर निंगजू काफी सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है कि इसके अंदर से कौन बोतले में लगा हुआ, तुम कौन हो? तो व्हाइट दरवाजे से फिर से आवाज आती है व्हाइट दरवाजे से, और वो उससे कह लगता है कि मेरी जो लाइफ है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, भले ही तुम यहाँ पर ऑर्डिनरी बंदे के तौर पर आ चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर गॉड्स की और इविल्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ, और ये अब सिर्फ तुम ही कर सकते हो। और तभी उसके पेट के अंदर गॉड की और इविल दोनों की पावर अंदर जाने लगती, जिससे कि इसकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं और ये काफी ज्यादा दर्द महसूस करने लगता है और चिल्लाने लगता है जोर जोर, और इविल एनर्जी के कारण उसके दिमाग में अजीब तरीके की आवाजें सुनाई देने लगती, जिससे कि वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और जोर से चिल्लाने लगता, और वहीं पर भरोसे होकर गिर कर कहने लगता कि शिट, ये तो बहुत ज्यादा तेजी दुखने में लगा हुआ है, ये सब क्या होने में लगा हुआ मेरे साथ। और इस तरीके का पेन सहते सहते उसे काफी समय निकल जाता, और जब वो होश में आता है तो देखता है कि यहाँ पर तो मेरे बॉडी के अंदर गुड एंड इविल सिग्नल आ चुकी है, यानी कि सील कह सकते हो, और जिस मार्क की हम बात कर रहे थे वो,
और जो चीज़ अभी अभी मेरे बॉडी के अंदर गई थी वो कुछ और नहीं बल्कि मैं गॉड एंड ईविल की सील थी। और बात करें इन गॉड एंड ईविल की सील के बारे में, तो सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल एबिलिटीज को होल्ड करता है गॉड की और डेविल रेसेस की, जो कि कई 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 हजारों सालों पहले ऑलरेडी डिसअपेयर्ड हो चुकी थी। अगर मैं इसका इस्तेमाल कर समय समय पर अपने आप को अपनी एबिलिटीज को लेवल अप करना जारी करता रहा तो शायद जो मेरी एबिलिटीज है वो सभी एबिलिटीज यूजर्स को क्रॉस कर जाएंगी और मैं काफी पावरफुल बन जाऊंगा। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि मुझे यहाँ पर गॉड एंड ईविल की सील मिल चुकी है। मेरी किस्मत वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी रही। अब जबकि मैंने ये सील को ऑलरेडी रिसीव कर लिया है तो मैं सिर्फ अभी इसे की सिर्फ इसकी 1% पावर को ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन अभी अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो मुझे खुद की एक एबिलिटी भी मिल जाएगी। चलो देखे तो जरा किस तरीके की एबिलिटी मिल रही है मुझे। और जैसे ही वो उस पर हाथ रखता है तो उसके अंदर एक बॉल आ जाती है और वो एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है उस बॉल को, और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ना चालू हो जाता है। और उसे ट्राई करने के लिए वो एक पंच मारता है सामने की, जिसको देखकर वो काफी खुश होते हुए कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी हुई, इस वक्त मैं गॉड फॉर्म का इस्तेमाल करने में लगा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो एबिलिटी मुझे मिली है ये काफी ज्यादा कॉम्प्रेसिवली स्ट्रेंथ बॉडी करती, बॉडी को स्ट्रेंथ बढ़ाती है और मेरे बॉडी के अंदर फोर्स को प्रिंट कर देती है और इतने पावरफुल बना देती है कि नॉर्मल बंदे के मुकाबले में 10 गुना पावर का इस्तेमाल कर सकता। और जबकि उसने गॉड की पावर को हासिल कर लिया है तो वो डेविल की पावर को हासिल करने के लिए उस तरफ जाते हुए उस पर हाथ रखता है और कह लगता है चलो देखते हैं कि आखिरकार मुझे इधर से कौन सी पावर मिलेगी। लेकिन इतना करने के बाद भी उसमें से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता, जिसको देखकर वो कंफ्यूज होती है, सोचता है और कहने लगता है कि जो ईविल है और वो काफी ज्यादा डेस्परेट सोल की जरूरत पड़ेगी, आखिरकार इसका मतलब क्या है। खैर मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे जो पावर चाहिए थे वो ऑलरेडी मिल चुकी है, मैंने जो मेरा जो मकसद है यहाँ पर आने का वो तो मैंने कम्प्लीट कर ही लिया है। जो पावर गेट डीमन गेट है उसमें बाद में मर्ज कर ट्राई कर लूंगा, धीरे धीरे के समय के बाद मुझे पता चलता ही रहा है। लेकिन अब जबकि मेरे पास मुझे मेरी खुद की सील आ चुकी है तो कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है मैं सभी को वहां पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूं। और तभी ओल्ड फॉक्स सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर नेक्स्ट डे में कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाती है, जहाँ थर्ड मिडिल लेवल प्रिंट मार्क अकेडमी को दिखाया जाता है। वहाँ का प्रिंसिपल उस सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूछ रहा होता है कि यहाँ की चीजें कैसी चल रही है, तो उसके बगल में एक लड़का खड़ा होता है, उससे क्या लगता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी उस बंदे को रियून में भेज दिया है, उसकी जो लाश है या फिर उसकी बॉडी है वो तक गल चुकी होगी और मॉन्स्टर ने उसे ऑलरेडी निपटा लिया होगा। जिसको देखकर प्रिंसिपल उससे क्या लगता है कि ये तो काफी अच्छा हुआ, मैंने ऑलरेडी सारे के सारे अरेंजमेंट बना लिए है, जो मीडिया अटेंडिंग करने में लगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो सारे के सारे मेरे खुद के लोग हैं। अब इसका इस्तेमाल करके मैं राइटफुली यानी कि इज्जत से और सही तरीके से तो मैं सिर्फ और सिर्फ आयरन फिस्ट प्रिंट मार्क ही नहीं दे सकता, बल्कि मैं हमारी जो पब्लिसिटी स्टंट है उसको भी काफी ज्यादा मशहूर बना सकता हूँ और जो इवेंट को काफी मशहूर हो जाएगा। तो आज से और अभी से तुम पूरे के पूरे इस सिटी के जीनियस कहलाओ। ये बात सुनकर ये बंदा उसकी तारीफ करते उससे कहने लगता है कि तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल। मैं इस बात को सुनकर प्रिंसिपल उससे कहने लगता है कि तुम काफी ज्यादा काइंड हो रखे हो, मैं वाकई में इस बारे में कभी भी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ मुझे एक मौका मिलेगा, और मुझे अभी तक मेरे जो ट्रांसफर होने वाला फर्स्ट मिडिल लेवल के प्रिंट मार्क अकेडमी में उसके बारे में क्या। ये बात सुनकर ये बंदा उससे कहने लगता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, जो मेरे फादर है उन्होंने उस काम पर इस चीज पर ऑलरेडी वर्क करने में लगे हुए हैं आपके लिए। और यहाँ पर ये प्रिंसिपल ये बात सुनकर चैन की सांस लेते उससे कहने लगता है कि ये अच्छा हुआ, काफी अच्छा हुआ, चलो मैं आज तुम्हें अपनी सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। और सभी को वहाँ पर शांत करता है और कहने लगता है कि सभी के सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए, और मैं ये बात जानता हूँ कि सभी के सब लोग इस बारे में चिंता दिखाने में लगे होंगे कि आखिरकार जो शीप लेवल आयरन फिस्ट मार्क है उसे अवॉर्ड क्यों जा रहा है, मेरे द्वारा अवॉर्ड क्यों किया जा रहा है इसको, और मैं सभी का सवालों का जवाब देने वाला हूँ एक एक कर। आपने बिल्कुल सही सुना था, जो हमारे थर्ड मिडिल लेवल प्रिंट मार्क अकेडमी है उन्होंने हमसे आई हम लोगों ने उनसे ये वादा किया था कि जो चीप लेवल आयरन फिस्ट मार्क है उसे निंग यू को रिकॉग्नाइज के तौर पर दिया जाएगा, क्योंकि उसके जो पेरेंट ने सैक्रिफाइस दिया था उसके लिए। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हो इस एरा के बारे में सभी के सभी लोग रेसिस पर नजर बनाकर रखे हुए हैं कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल बनेगा, और हम ह्यूमंस के लिए स्ट्रॉन्गर बनना काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए हमें ट्रूली पावरफुल प्रिंट मार्क मास्टर की जरूरत पड़ती है, ना कि उन लोगों की जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स का नाम यूज कर का सब मार्क का इस्तेमाल कर ले और एक मार्क को बर्बाद कर दे और उनकी जिंदगी काफी ज्यादा आसान होती है वैसे भी। और इसीलिए मैं चाहता कि हमारी ह्यूमनिटी के लिए, हमारे फ्यूचर के, इंसानियत के फ्यूचर के लिए मैंने ये डिसाइड कर लिया स्कूल के साथ मिलकर कि मैं इस आयरन फिस्ट मार्क को हमारे अल्टीमेट क्लासमेट शेन जियान को देना चाहते हैं, जो कि हमारा पूरे के पूरे एकेडमी का टॉप स्टूडेंट है। तभी एक रिपोर्टर खड़ी होकर उससे पूछ लगती है कि आखिरकार आप मुझे इस बारे में बता सकते हो कि आखिरकार जो शेन जियान है वो आयरन फिस्ट मार्क उसे मिलने वाला था और आपने इस शेन जियान को क्यों चुना है, क्या इसलिए है क्योंकि ये आपके इस स्कूल का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है थर्ड मिडिल लेवल प्रिंट मार्क अकेडमी का। ये बात सुनकर प्रिंसिपल घबराते उससे कहना था कि ऑफकोर्स ऐसी बात नहीं है, ये सब इसलिए होने में लगा हुआ है क्योंकि जो क्लासमेट शेन जियान की खुद की जो स्ट्रेंथ है वो किसी क्लासमेट के मुकाबले में काफी ज्यादा है। और बात करें क्लासमेट शेन जियान की फिजिकल फिटनेस के बारे में तो वो ऑलरेडी ऑर्डिनरी पीपल के मुकाबले में 6 गुना क्रॉस कर चुका, और जो 6 गुना किसी नॉर्मल बंदे के मुकाबले में काफी पावरफुल।
ये बात सुनकर सभी के सब लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और सरप्राइज होते हैं, मुंह फाड़ कर कहने लगते हैं, क्या ये वाकई में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इस बंदे की जो स्ट्रेंथ है वो ऑर्डिनरी के मुकाबले में 6 गुना बढ़ चुकी है। लेकिन अगर वाकई में ऐसी बात है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जब तक हम शेन जियान को आयरन फिस्ट प्रिंट मार्क करने का एब्जॉर्ब करने का एक मौका दे देंगे तो वो 6% पावर को एक्टिवेट कर सकता है। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग वाली है वाली बात है। इससे हमें इससे बात पता चलता है कि ये बंदा हमारे यहाँ का एक ट्रू जीनियस है। जहाँ तक हमारे पूरे पूरे ओल्ड फक सिटी में ये बंदा सबसे ज्यादा बेस्ट खेला जाएगा। नहीं, अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार जो थर्ड मिडिल लेवल प्रिंट मार्क अकेडमी है उन्होंने अपना दिमाग क्यों बदल लिया इस बंदे को ये मार्क देने के लिए। ये बात सुनकर वो मन में सोचते हुए कहने में लगा होता है, शेन जियान तुम सभी के सभी लोग सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी लोग हो, तुम मुझसे जलो जलो। तो प्रिंसिपल उन सभी के बीच में रोकते हुए टोकते हुए उनसे बोलने लगता है कि भले ही हमने ये मार्क इसके देने के बारे में सोच लिया शेन जियान को, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी क्लास में निंग यू से इसके बारे में पूछ लिया है और उनकी परमिशन ले ली है। ये बात सुनकर रिपोर्टर उससे कहने लगता है कि अच्छा, तो आपने निंग यू की परमिशन ले ली और वो एग्री भी हो चुका है। तो प्रिंसिपल उससे कहने लगता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो एग्री नहीं हो, और कुछ कर भी नहीं सकते हो वैसे भी अगर वो एग्री हो जाता है। वैसे भी जो शेन जियान है वो हमारे इस अकेडमी का जीनियस है, आखिरकार वो यहाँ पर खड़े खड़े कुछ कर भी तो नहीं सकता। लेकिन हमारा एमसी बीच में आता है भीड़ में से और निकल कर कहने लगता है कि किसने कहा कि मैं इस बात के लिए एग्री हो चुका था। और जब वो पोज मारते हुए स्टाइल में अंदर आता तो सभी के सभी रिपोर्टर शॉक हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि ये बंदा तो निंगी हुए है, आखिरकार ये बंदा यहाँ पर क्या करने में लगा हुआ है, क्या तुम वाकई में स्कूल के डिसीजन को रोकना चाहते हो। और शेन जियान इसको देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है, क्या ये बंदा अभी भी जिंदा है, ये बंदा मरा क्यों नहीं। तो एमसी आकर उन सभी को पेजिदी करते उससे कहने लगता है, प्रिंसिपल मैम आखिरकार आप मुझे बता सकते हो कि आखिरकार मैंने इसे सील देने के बारे में कब एग्री हुआ था। और जब इसकी पोल यहाँ पर खुल जाती है तो उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता और वो डायरेक्टली उसके मुंह से कहने लगता है, ओह क्लासमेट निंगी हुए तुम यहाँ पर आ चुके हो, तुम्हें तो समझना ही होगा कि ह्यूमन रेस के फ्यूचर के लिए तुम्हें ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो मुझे लगा था कि तुम इसके बारे में एग्री हो जाओगे। आफ्टर ऑल जो शेन जियान है वो एक नंबर का जीनियस है जिन्होंने फिजिकल फिटनेस को सरप्रास कर दिया ऑर्डिनरी बंदे के मुकाबले में, वो भी 6 गुना। तभी रिपोर्टर्स भी इस बात से एग्री होते हैं और कहने लगते हैं कि बिल्कुल सही कहने में लगे हैं प्रिंसिपल, जैसे कि सभी लोग जानते हैं क्योंकि जो सील्स है वो काफी ज्यादा रेयर होती है, वो नेचुरल तरीके से निकलती है, तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को इनको पाने का हक है जो कि पावरफुल होते हैं। और बात करें तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में तो वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं कई सालों पहले, तो आखिरकार तुम अभी भी उनके बेनिफिट को इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, यूज कैसे कर सकते हो। ये बात सुनकर हमारा एमसी निंगजी भी उससे कहने लगता है कि वाकई में तुमने नॉर्म ऑर्डिनरी पीपल के मुकाबले में 6 गुना सरप्राइज कर दिया है उनको, वाकई में ये स्ट्रॉन्ग है क्या कोई। ये बात सुनकर प्रिंसिपल मुस्कुराते उससे कहने लगता है कि तुम्हारे इग्नोरेंस को तो देखो तुम्हें पता भी है इसका मतलब कि अखर का जो फिजिकल फिटनेस होती है ऑर्डिनरी पीपल की उसके मुकाबले में इस बंदे की 6 गुना है, ये सिर्फ और सिर्फ 1 मिलियन में एक बंदे के साथ होती है। यहाँ तक कि हम पूरे के पूरे जो ओल्ड सिविलियन सिटी है ना पूरे के पूरे उसमें भी एक कोई भी ऐसा बंदा मौजूद नहीं, और इस कंडीशन को सिर्फ और सिर्फ शेन जियान फुलफिल कर सकता है जो कि इस आयरन फिस्ट स्टील की पावर को यूटिलाइज कर पाएगा पूरी तरीके से। ये बात सुनकर हमारा एमसीयू से चैलेंज करते हुए उससे कहने लगता है कि ओह ऐसी बात है क्या, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे पीटो और जो आयरन फिस्ट स्टील है वो तुम्हारी हो जाएगी। और जो ये सारा का सारा चैलेंज वो न्यूज वाले देखते हैं तो वो एक्साइटमेंट से भरकर कहने लगते हैं, क्या तुम कहना चाहते हो कि जो निंग यू है वो वाकई में चैलेंज करना चाहता है शिंग शेन जियान को, क्या इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया, इसका दिमाग तो ठिकाने पर है, इस बंदे को देखकर तो ऐसा लगता नहीं है कि ये एक नॉर्मल बंदा है, तो आखिरकार ये बंदा शेन जियान को चैलेंज क्यों करना चाहता है। ऑलरेडी इस बात का जो मैच होने वाला है इसके टटल पर आ चुका हूँ, जो रूतले शेन जियान है यंग मास्टर है उसने ट्रैश निंग यियान को पूरी तरीके से क्रश कर रख दिया है। तुम मेरे पास मेरा इंतजार करो, मैं इस आर्टिकल को लिखने वाला हूँ और मशहूर हो जाएगा मेरा ये आर्टिकल। जब इन लोगों की बकवास चलने में लगी हुई होती है तो शेन जियान भी उससे फाइट करने के लिए कूद पड़ता है और क्या लगता है कि तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। और जब वे वहां पर कूदता है तो आसपास का इलाका बहुत ज्यादा टूट जाता है और अपनी पावर को शो ऑफ करते हुए उससे क्या लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे इस बात पर ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें बुरी तरीके से पीट दिया है। और सभी लोग उसकी पावर को देखकर काफी शॉक होते हुए क्या लगता है कि अच्छा तो ये है फिजिकल फिटनेस एक जीनियस की, सो पावरफुल। जो निंगनी है वो शायद से एक पंच में भी नहीं टेक पाएगा और एक पंच भी निकल लेगा पहली फुर्सत में वर्क की तरह, ये बंदा एक जोकर बनकर रह जाएगा, मैं भी तो देखूं आखिरकार अपनी बेइज्जती किस तरीके से कराता। तभी शेन जियान हमारे एमसी की तरफ फुल पावर से कूद पड़ता है अटैक करने के लिए और उससे क्या लगता है अटैक करते हुए, मैं तुम्हारे हाथ और पैरों को बुरी तरह से तोड़ दूंगा और इस बात का ख्याल रखूंगा कि तुम कभी भी फ्यूचर में मेरा सामना नहीं कर पाओगे। लेकिन हमारा एमसी बस एक हाथ को ऊपर कर और बिना किसी परेशानी के इतने पावरफुल अटैक को रोकने में कामयाब रहता, इसको देखकर शेन जियान की फट जाती है और वो शॉक होते हुए क्या लगता है ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल, ये मेरे अटैक को इस तरीके से कैसे रोक सकता है। हमारा एमसी अपना बदला लेने के लिए उस बंदे को जमीन पर पटक देता है शेन जियान को और कहने लगता है कि तुम जल्दी से पहली फुर्सत में निकल, और एक ही झटके में और एक ही पंच में उसके मुंह से खून निकलने पड़ता है। जब ये बात प्रिंसिपल देखता है तो वो शॉक होते हुए चिल्लाते हैं उससे कहने लगता है कि ये तो सील पावर है, तुमने एक्चुअली में अपनी सील पावर को एक्टिवेट कर दिया। और जब सारी की सारी बात को न्यूज वाले देखते हैं तो शॉक होते हुए कहने लगता है कि निंग यू ने वाकई में एक्टिवेट कर लिया अपनी सील को, लेकिन इसने अपनी सील को लाया तो लाया कहां से। और शेन जियान को जब ये बात पता चलती है तो शॉक होते हुए घबराते हैं उससे कहने लगता है कि डैम इट आखिरकार ये कैसे हो सकता है मेरे साथ, मैं यहाँ पर सबसे पावरफुल हूँ। तो निंग यू उसके मजाक उड़ाते हैं उसके पास आते हैं उससे कहने लगता है क्या तुम मुझे देखकर इतना सरप्राइज हो चुके हो कि मैं अभी भी यहाँ पर जिंदा क्यों। तभी शेन जियान अपने पैरों से उसे कुचलने लगता है जिसको देखकर वो बंदा घबरा जाता है और कहने लगता है शेन जियान आखिरकार तुम मेरे साथ ये क्या करने वाले हो, तुम मुझे मारना चाहते हो।
और तभी प्रिंसिपल ये होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता, तो निंगयू को रोकने के लिए उसकी तरफ आता है और उससे कहने लगता है कि तुम वहीं पर रुक जाओ। तभी हमारा एमसी उसे रोकते हुए उससे कहने लगता है कि प्रिंसिपल मैं, अगर आपने एक कदम भी बढ़ाने की कोशिश की तो मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि ये बंदा अपनी पूरी की पूरी जिंदगी को खो देगा और मैं अपनी स्ट्रेंथ को खोने के बाद इस बंदे को यहीं पर मार दूंगा। और इस तरीके से देखने के बाद प्रिंसिपल की फट जाती है और वो वहां से मूव नहीं कर पाता और कहने लगता है कि आखिरकार इस बच्चे की आंखें इस तरीके से कैसे हो सकती है और मैं इस बच्चे की आंखों देखकर इतना डर क्यों गया, ये तो बस एक न्यूली प्रमोटेड सील मास्टर है, मैं इससे डर क्यों रहा हूँ। तो हमारा एमसी निंगयू उससे कहने लगता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम रिलैक्स करो, मैं तुम्हें मारने नहीं वाला। चलो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि जो तुम आयरन फिस्ट सील को तुम रख सकते हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि जी मेरी तरफ से चैरिटी है तुम्हें और तुम एक नंबर के वेस्ट हो, कचड़े हो कचड़े, और तुम्हें इस बात का ख्याल पहले से रखना चाहिए था और तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। और वहां से हंसते हंसते चला जाता है और चिल्लाते चिल्लाते कहने में लगे जीनियस, और ये छह ये जीनियस हो गया तो तुम तो साले के कुत्ते भी जीनियस कहला गए इससे ज्यादा तो। और तभी वहां पर जाते मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो डेस्परेट इविल सोल की मुझे जरूरत पड़ रही थी उसको खोलने के लिए और मुझे समझ में आ चुका है कि आखिरकार उसके क्या कहने का मतलब था। और थोड़ी देर चलने के बाद एक बिल्डिंग को देखकर कहने लगता है कि अच्छा यही वो जगह है, ये तो सील पावर टेस्टिंग हॉल है, मैं यहाँ पर अपनी सील की जो एक्टिवेशन की प्रोग्रेस रेट है यहाँ पर टेस्ट कर सकता हूँ और मुझे सील की एबिलिटी है और उसकी स्ट्रेंथ है जो कितना पावरफुल बन चुका हूँ उसका पता लगा सकता हूँ। और जब वो अंदर आता है तो वहां पर एक रिसेप्शनिस्ट दिखती है जो कि काफी उबासियां लेते हुए उससे कहने लगती है क्या तुम यहाँ पर अपनी सील पावर को टेस्ट करने के लिए आए। तो निंगयू उससे कहने लगता है कि जी हाँ, और वो बंदी तुरंत उसे पैसा मांगती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें 300 जो भी करेंसी है उसकी करेंसी हिसाब से 300 प्राइस लगने वाली है, एक बार तुम पे कर लोगे तो तुम उस रूम के अंदर एंटर कर चेक कर सकते हो। और हमारा एमसी पे करने के बाद कार्ड लेकर निकल पड़ता और पहुंच जाता है उस रूम। यहाँ पर पहुंचने के बाद ऑटोमेटेड एआई उससे कहने लगता है कि तुम टेस्ट को स्टार्ट करना चाहो, तो निंगयू कहता है कि जी हाँ स्टार्ट करो। सिस्टम उसे एक्टिवेट करने के लिए पूछता है कि तुम्हारी जो सील एक्टिवेशन लेवल है वो 1% है और इसलिए सुटेबल ट्रायन एलियन रेस को तुम्हारे साथ मैच किया जा रहा है, स्नेक पीपल को बुलाया जाता है तुमसे फाइट करने के लिए। तभी यहाँ पर एक होलोग्राम प्रोग्रेस आ जाती है जो कि स्नेक जैसा बंदा दिखने में लगा ह्यूमनॉइड फॉर्म, जिसको देखकर हमारा एमसी बताता है उससे कहने लगता है कि ये स्नेक पीपल है जो कि ह्यूमन रेस के सबसे ज्यादा होस्टाइल रेस में से आता है और वह अपने स्पीड के लिए जाने जाते हैं, उनके पास कोई भी दूसरा टैलेंट नहीं डिस्कवर किया गया अभी तक। और हमारा एमसी उस बंदे को मारने के लिए तुरंत कूद पड़ता है और एक पंच मारता है उस स्नेक ह्यूमनॉइड फॉर्म के बंदे पर और वो स्नेक वहीं पर मारा जाता है। जहां पर एआई उससे पूछता है कि तुम कंटिन्यू करना चाहो, जब हमारे एमसी के पास काफी स्ट्रेंथ बची हुई है तो वो तुरंत कंटिन्यू करने के लिए एग्री हो जाता है। और इस बार पहले के मुकाबले में काफी पावरफुल दो स्नेक बीस्ट आते हैं और वो एक ही झटके में उन दोनों को भी दूर फेंकते हैं। उससे क्या लगता है कि अच्छा तो दो स्नेक पीपल आ चुके कंबाइन अटैक करने के लिए, मुझे कहा सावधान रहना चाहिए, लेकिन पता चलता है कि वो तो एक ही पंच में उन दोनों को निपटा देते जिससे कि उसकी पावर स्ट्रेंथ का पता नहीं चलता और क्या लगता है ये काफी नहीं होने वाला मुझसे और कर। और वो फिर से पूछता है सिस्टम क्या तुम नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहो, तो हमारा एमसी से परमिशन देता है तो सिस्टम मुझसे क्या लगता है कि इस बार ब्रूट ऑक्स क्लैन का बंदा आने वाला। इस रेस को इसकी स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है जो कि अपने इनिशियल टैलेंट है ब्रूट ऑक्स चार्ज टेक्निक का इस्तेमाल करता है दूसरों पर अटैक करने के लिए। तभी ये बोल हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए फोर्स में कूद पड़ता, तभी निंगयू भी मारने के लिए रेडी होता और उसे भी एक पंची से निपटा देता, लेकिन पता चलता है कि वो मरा नहीं है और वो सिर्फ दूर गया। इसको देख कर निंगयू काफी सरप्राइज होते हुए कहने लगता है कि ये बंदे उस स्नेक पीपल के मुकाबले में काफी पावरफुल है, मानना तो पड़ेगा, और अगर मैं इससे फाइट करता हूँ तो मेरी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी उस फोर्स से, जो मेरे इम्प्रिंट है जो मेरी सील है उसके पावर का पता लगाने के लिए, और गॉड और डेविल इम्प्रिंट के कारण मेरे जो इम्प्रिंट फोर्स है जो सील पावर है वो नॉर्मल बंदों के मुकाबले में काफी पावरफुल है। चलो देखते हैं आखिरकार मैं कितनी ज्यादा स्टेज तक आगे जा सकता हूँ इनको क्लियर करते करते बिना गॉड की फॉर्म को इस्तेमाल किए हुए। और जब वो ऑक्स उस पर चार्ज करता है तो अपने दोनों हाथों से उसको पकड़ वहीं पर जमीन पर दे मारता और वो निपट लेता है पहली फोर्स और वो ऑक्स वहीं पर मारा जाता, लेकिन वो अभी भी रुकता नहीं है और वापस से चैलेंज करना जारी रख, जिसको देख कर रिसेप्शनिस्ट काफी शॉक होती है और चिल्लाती है उससे कहते हैं कि मैनेजर जरा इसे तो देखो। इसको देखकर मैनेजर सरप्राइज होते हैं वहां पर आता है उससे कहते क्या हुआ तो मैं इतनी जल्दबाजी को दिखा रहे, जहां पर रिसेप्शनिस्ट उससे कहने लगती है कि इस बंदे की क्लियरिंग स्पीड तो देखो। जिसको देखकर मैनेजर शॉक होते हैं उससे कहने लगता है क्लियरिंग इतनी ज्यादा फास्ट करने में लगा हुआ है, क्लियर करने लगा हुआ इस लेवल, भले ये कोई फैंटम इमेजेस है उन मॉन्स्टर्स की लेकिन इनके पास अभी भी ओरिजिनल के मुकाबले में 3 में से 1 गुना पावर मौजूद और डिमोनिक रेसेस की कॉपी बनी हुई है और इसको क्लियर करने की जो स्पीड है वो पूरी तरीके से इंसेन हो चुकी है। जिसको देखकर रिसेप्शनिस्ट उससे कहने लगता है कि इस बंदे को देखकर लगता है कि ज्यादातर 17 से 18 साल का बंदा हो, मैंने अभी तक इस बंदे को रिकॉग्नाइज नहीं किया और इस बंदे को इस रूम में जाए हुए सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स हुई। ये बात सुनकर मैनेजर और भी शौक होता है, कहने लगता है कि सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर अंदर इम्पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये 1 इम्प्रिंट मास्टर लेवल 1 का इम्प्रिंट मास्टर, क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि तुमने इसे बिल्कुल भी पहचाना नहीं और ये कोई पावरफुल मास्टर नहीं है। ये बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट से कहने लगता है कि मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ, मैंने सभी के सभी यंग लेवल 1 के इम्प्रिंट मास्टर को इस ओल्ड सिटी में जानती हूँ। ये बात सुनकर वो एक्साइटमेंट से भर जाता है मैनेजर और उससे कहने लगता है कि मैं जल्द से जल्द अपने बॉस को कॉल करता हूँ अभी के, हमने डेफिनेटली यहाँ पर एक जीनियस को ढूंढ लिया। दूसरा हमारे एमसी की फास्ट को फाइट को उसके साथ दिखाया जाता है जहाँ पर एक मरमेड मैन आता है उससे फाइट करने के लिए और कहने लगता है कि ये तो रोजर फिश और ये स्वॉर्डमैन सिर्फ में मास्टर है नेचुरल तौर पर, इसी टैलेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो इनका इनिशियल टैलेंट स्वॉर्डमैन सिर्फ मास्टरी है और मैं इस वक्त स्टेज 12 पर पहुंच चुका हूँ और इसकी जो पावर है वो 1 इम्प्रिंट मास्टर तक पहुंच चुकी है,
लेवल 1 इम्प्रिंट मास्टर और फाइनली मुझे यहाँ पर कुछ एक्साइटिंग चीज मिलने वाली है फाइट करने के लिए और अपनी फुल फोर्स को चेक करने के लिए। वो फाइनली अपनी गॉड फॉर्म को एक्टिवेट कर देते हैं उससे फाइट करने के। अब द रोजर फिश जब हमारे एमसी पर अटैक करती निंगयू तो निंगयू बिना किसी परेशानी के उसे एक जोरदार पंच मार और अपने हाथ को उसके पेट में घुसेड़ देता। इतनी आसानी से उस रोजर फिश को मारने के बाद उसको शांति नहीं मिलती और कहने लगता है कि ये काफी नहीं है, मुझे और कंटिन्यू कर। और बैक टू बैक कई सारे पावरफुल मॉन्स्टर उससे फाइट करने के लिए आते हैं और वो उन सभी को एक करके मारना जारी रख। और कुछ मूवमेंट यहाँ पर कोई भी न्यू एलियन रेस फॉर्म नहीं हो रही होती है उस एआई के थ्रू। इसको देखकर वो कंफ्यूज होते, क्या लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, क्या मैंने सारे के सारे स्टेज को क्लियर कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था यहाँ पर इतनी जल्दी। खैर इसके बारे में भूल जाओ, आज का जो टेस्ट है वो यहीं पर खत्म होता है। कम से कम मुझे मेरी स्ट्रेंथ के बारे में तो पता है कि मैं कम से कम लेवल 1 के सील एनग्रावर के लेवल 1 के सील मास्टर के बराबर हूँ। और इसके इतने भयानक युद्ध को देखने के बाद, फाइट को देखने के बाद मैनेजर काफी सरप्राइज होते हुए क्या लगता है कि फाइनली ये बंदा यहाँ पर फाइट करते करते रुक गया है क्या, और इस बंदे ने एक्चुअली में 30 स्टेज को क्लियर कर दिया है, वो भी बैक टू बैक। इससे ये बात कंफर्म होती है ये बंदा डेफिनेटली लेवल 1 का सील ग्रेवर है, सील मास्टर। आखिरकार अभी तक जो बॉस है वो यहाँ पर आया क्यों नहीं है, लेकिन हमारा एमसी उसका बिल्कुल भी इंतजार नहीं करता और वहां से निकल पड़ता। जब वो मैनेजर हमारे एमसी को रोकने की कोशिश करता है उससे कहने लगता है कि हे लिटिल ब्रदर, आखिरकार तुम मेरे लिए थोड़ा देर इंतजार कर सकते हो, कि जो हमारे जो बॉस है वो यहाँ पर जल्दी आने वाले हैं और वो तुमसे कुछ बात करना चाहते। जिसको सुनकर हमारा एमसी उससे पूछता है कि हम क्या बात पर डिस्कस करें। जिसको देखकर मैनेजर घबराते हुए समझाता है उससे, कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर एक गलतफहमी हुई है, तो डेफिनेटली बात है कि तुम्हारा जो पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा शोन हो चुका है और उससे पता चलता है कि तुम काफी पावरफुल हो, तो हमारे जो बॉस है वो तुम्हें काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते। लेकिन हमारे एमसी को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे मैं यहाँ से जाना होगा, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है बात करने में तुमसे। और बिना कुछ सोच समझे वो वहां से चला जाता है और मैनेजर उसे रोकने में नाकामयाब रहता है। और दूसरा मैनेजर चिल्लाते उससे कहने लगता है कि जो बॉस है उनकी टांगे टूट गई, इतना स्लो क्यों आ रहा है। और उसके बाद 30 मिनट्स बाद दिखाया जाता है वो फाइनली उसका बॉस जब वहां पर आ जाता है और चिल्लाते हुए काफी हाँफते हुए कहने लगता है कि अगर कर वो बंदा कहाँ पर है जिसका तुम बात करने में लगे थे। जिसको देखकर मैनेजर उसे समझाते उससे कहने लगता है कि वो बंदा ऑलरेडी काफी समय पहले जा चुका है, तुम्हारी जो स्पीड है तुम वाकई में बहुत जल्द स्लो, वहां पर क्या करने में लगे थे रास्ते में। जिसको देखकर उसका बॉस उससे चिल्लाते उससे कहने लगता है कि मैंने अपने स्कूल का काम खत्म करके जितना जल्दी हो सके यहाँ पर आ चुका था, तो मैं आखिरकार उस बंदे को यहाँ पर क्यों नहीं रोक। तभी मैनेजर उससे कहता है कि मैं उसे रोकना तो चाहता था लेकिन वो बंदा ऑलरेडी लेवल 1 का सील एनग्रेवर है, हम उसे रोकने में नाकामयाब रहे। और तभी उसका मैनेजर अपनी बॉस की बेइज्जती करते हुए उससे कहने लगता है कि तुम एक प्रिंसिपल हो, सबसे पहले तो फर्स्ट मीडियम सील एनग्रेवर अकेडमी, लेकिन तुम वाकई में इस जैसे जीनियस की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते हो। अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारी जो पोजीशन है प्रिंसिपल के तौर पर वो इतनी ज्यादा खराब क्यों है। जिसको देखकर उसका बॉस काफी गुस्सा करते हुए उस मैनेजर पर चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, सभी के सभी लोग इस बारे में जानते हैं कि इस पूरे मेन सिटी में कि मैं चू जिंगी हूँ, सबसे ज्यादा वैल्यू करता हूँ जीनियसेस को, वरना मैं कभी भी यहाँ पर एक टेस्टिंग फैसिलिटी को ओपन ही नहीं करता। और मैंने मीडियम सील एनग्रेवर एकेडमी के लिए कई सारे जीनियस को सिर्फ बुलाया ही नहीं है बल्कि मैं हायर अप्स के लिए डिजास्टर डिससेटिस्फाई भी क्लियर कर दिया है, मतलब क्रिएट कर दी। अगर मैं वाकई में और भी ज्यादा हाई लेवल के जीनियसेस को प्रमोट कराने में मदद करूं उनकी, तो मैं वा गारंटी देता हूं कि मैं प्रमोट जरूर हो जाऊंगा वहां पे। ये सुनकर उसका मैनेजर उससे कहने लगता है कि ठीक है बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, तुमने ऑलरेडी उस टाइम को मिस कर दिया। वो बंदा डेफिनेटली एक नंबर का जीनियस था जिसने 30 स्टेज को क्लियर कर दिया। ये बात सुनकर वो बॉस और भी शॉक हो जाता है, उससे कहने लगता है कि 30 स्टेजेस को, ओ माय गॉड, पूरे के पूरे इस ओल्ड मैन सिटी में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कुछ ऐसे ही जीनियसेस होंगे जो कि 30 स्टेजेस को एक बार में क्लियर कर सके। तभी अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो तुरंत कहने लगता है कि टेस्टिंग रूम में अभी भी उसकी जो इक्विपमेंट है वो डेफिनेटली उसकी रिकॉर्ड करके रखे होंगे और जब तक हम उसके रिकॉर्ड को देख लेंगे तो हम बिना किसी परेशानी किसी ढूंढने में कामयाब रहेंगे। लेकिन जब वो उस फैसिलिटी के अंदर जाता है तो वो देखकर काफी शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, हमें इसमें से बिल्कुल भी रेस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा। तो सिस्टम उससे कहने लगता है कि यहाँ इल्यूजन की प्रोडक्शन काफी ज्यादा एक्सेसिव होने के कारण, काफी ज्यादा तेजी से होने के कारण जो सिस्टम है वो ओवरलोड हो चुका है और सारा के सारा जो अटैच रिकॉर्डेड थे उसे क्लियर कर दिया जा चुका और करंटली अंडर रिपेयर में चलने में लगा हुआ है सिस्टम। ये बात सुनकर वो मैनेजर और भी शॉक होते हुए कहने लगता है कि डैमेड, ये बच्चे ने पूरे पूरे इक्विपमेंट को तोड़ कर रख दिया है, अब मैं इसका पता भी नहीं लगा पा रहा। लेकिन जब बॉस को इस बारे में पता चलता है तो वो और भी खुशी के मारे चल जाता है और कहने लगता है कि इक्विपमेंट ने इस बंदे को ब्रेक कर दिया, इस बंदे ने इक्विपमेंट को, इससे ये पता चलता है कि इस बच्चे की जो स्ट्रेंथ है वो प्रोबेबली 30 स्टेज को क्लियर करने के लिए नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा पावरफुल था। इससे जब बात पता चलती है कि ये बंदा एक नंबर का जीनियस है, अगर मैं इस बंदे को ढूंढने के लिए मुझे पूरे के पूरे 3 फीट क्यों ना खोजना पड़े तो भी मैं उसे फर्स्ट मीडियम सील एनग्रेवर एकेडमी में लेने के लिए कामयाब रहूंगा और कुछ भी इसके लिए करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ। तभी हमें निंगयू को अपने घर में दिखाया जाता है जो कि मेडिटेशन करने में लगा हुआ है ओल्ड सिटीजन सिटी में प्लीज स्ट्रीट पर, पीस स्ट्रीट पर जगह के नाम है, जहाँ पर वो अपनी इमेजिनेशन में डायग्राम देखते हुए कहने लगता है कि ये तो ग्लाइफ डायग्राम है और ये मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ग्लाइफ मास्टर के छुपाकर बनाया गया है और इसे डायरेक्टली देखकर पता लग सकता है कि जो ग्लेफ एक्टिवेशन की जो लेवल है उसके बारे में पता चलता है कि मैंने कितना एक्टिवेट कर रखा है। अभी मेरी जो बैटल पावर है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फर्स्ट रैंक ग्लिफ मास्टर तक पहुंच सकती है उस डिवाइन फॉर्म को इस्तेमाल करने के बाद, लेकिन अभी भी मैं ग्लिफ की पावर को 1% भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं और उसको इस्तेमाल करने के लिए मुझे काफी ज्यादा समय लगेगा।
अब जबकि मैंने ऑलरेडी शेन जियान को ट्रेनिंग टारगेट में बना दिया है इविल सोल का, तो इससे बात ये साबित हो जाती है कि मैं पूरे के पूरे एंटायर शेन जियान शेन फैमिली का दुश्मन बनने वाला। अगर मैं अपनी स्ट्रेंथ को जल्द से जल्द इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा वो भी तेजी से, तो मैं पक्का बहुत ज्यादा टेरेबली डेथ माई टेरेबली मौत होने वाली है, इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जो इम्प्रिंट ऑब्जेक्ट है जो कि एनहेंस करते हैं इम्प्रिंट पावर को, वो एक्सट्रीमली रियल है। अगर मैं अपने इन इम्प्रिंट ऑब्जेक्ट को ढूंढना चाहता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करनी पड़ेगी, और कुछ भी करके 100% ढूंढना पड़ेगा। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा एक छोटी सी लोली का पीछा करने में लगा हुआ और चिल्लाते उससे कहने लगता है कि हे हे तुम लिटिल ब्यूटी, कहीं की तुम मुझसे भागने की कोशिश क्यों करने में लगी हुई हो, तुम जल्दी से अपना इम्प्रिंट डिवाइस मुझे दे दो, अगर तुम मुझे वो दे देती हो तो मैं तुम्हें कम सम कब से सबसे कम पेनफुल डेथ देने के लिए तैयार। तभी हमें इम्प्रिंट डिवाइस के बारे में बताया जाता है कि ये स्पेशल आइटम है जो कि ग्रेटली इम्प्रूव कर सकते हैं तुम्हारे ग्लिम्प एबिलिटीज को, और काफी एक्सट्रीमली रेयर और एक्सट्रीमली प्रीसियस आइटम्स होते हैं, जिसको देखकर वो बंदी आई मीन ये लोली जोर से चिल्लाते उससे कहने लगते हैं कि तुम मुझे इससे फॉलो करना बंद करो, और कुछ कर उसे मारती है। लेकिन वो बंदा डॉच करने में कामयाब रहता है, और उससे क्या लगता है कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम अपने इस लेवल कल्टीवेशन के साथ मुझे मारने में कामयाब रहोगी, कितने ज्यादा रिडिकुलस से बात कर रही हो, अगर तुम वाकई में इतने ज्यादा सेंसिबल नहीं बन रही हो तो मरो मेरे हाथों। और एक बार में वुल्वरीन वाले पंचों से उस लड़की को चोट पहुंचा देते, और वो लड़की डायरेक्टली जंप करने के बाद हमारे एमसी के रूम में जाकर गिर जाती, जिसको देखकर वो काफी शॉक होते हैं, उससे कहते हैं कौन है बे, और तभी वो बंदा हमारे एमसी को मारते हैं, उससे कहने लगता है कि अब जबकि तुम घर में जा चुकी हो तो मैं इस घर के साथ साथ तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाला, और वो तुरंत हमारे एमसी पर जोर से अटैक कर देता है उसे मारने के लिए। लेकिन वो नोटिस करता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर, और पता चलता है कि निंगी और बाहर निकलते उससे क्या लगता है तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं देने में लगे हुए मुझे यहाँ पर अटैक करने के लिए, बल्कि मैं तुम मेरे हाथों से आज बहुत ज्यादा टेरेबल डेथ मरने वाले, जिसको देख कर ये बंदा काफी डर जाता है और कहने लगता है कि ये तो फर्स्ट रैंक का ग्लिम्प मास्टर आई मीन सील मास्टर, और जोर जोर से हंसने लगता है और काफी एक्साइटमेंट से भरते हुए कहने लगता है कि मेरे लिए कितनी ज्यादा खुशी वाली बात होगी कि अगर मैं दो यहाँ पर दो यंग ग्लिम्प मास्टर को मारने में कामयाब रहूंगा, वो भी एक ही समय। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है वॉर ब्यूरो की तरफ, जहाँ पर वॉर ब्यूरो का चीफ काइल जियांग गोंग को दिखाया जाता है, जो कि सभी से कहने लगता है कि तुम सभी के सभी के लिए मेरे पास एक न्यूज है, और अभी अभी हमें सूत्रों से पता चला हुआ है कि जो वुजू सेट के मेंबर्स है फेंग जू, जो कि कई सालों से यहाँ पर मिसिंग रहा था, वो रिटर्न वापस आ चुका है हमारे इस सिटी। और बात करें वुजू सेट के बारे में तो सब लोग जानते होंगे ये भी एक ऐसा कल्ट है जिसे कई सारे विलीनियस इंस्क्रिप्शन के द्वारा मिलकर बनाया गया, और वो ह्यूमन रेस के साथ काफी हॉस्टाइल रिलेशनशिप को रखते हैं, और वो कॉपरेट करते हैं हमेशा एलियन रेस के साथ, और फ्रिक्वेंटली ह्यूमन इंस्क्रिप्शन जीनिसिस को मारने में लगे हुए हैं, और उनके एक्शन से ये बात पता चलता है कि वो काफी रिस्क्रिपल है और एलियन रेसेस के साथ मिलकर हमारे जीनियस को मारना चाहते हैं जल्द से जल्दी हो सके, और वह सभी के सभी लोग एक ट्रू बेस्ट है, और वो बिल्कुल ट्री बीस्ट यहाँ पर आ चुका है हमारी सिटी में वापस से, जिसको देखकर इस बंदा गुस्सा आती है उससे क्या लगता है कि उसकी हिम्मत कैसे यहाँ पर आने, भले ही वो बीस्ट फेंग जो सिर्फ और सिर्फ लेवल वन का इंस्क्रिप्शन है लेवल वन का सील मास्टर है, लेकिन वो काफी चालाक और काफी क्रूर, क्योंकि इसने एक बार सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग इंस्क्रिप्शन जीनियस को यानी कि सील मास्टर को असलेट कर दिया था, मार दिया, जिस बंदे का नाम चैन जान था जो कि फर्स्ट मिडिल स्कूल का टीचर, और तो और इतना ही नहीं बल्कि मैं इसके हाथों से कम 10 इंस्क्रिप्शन आई मीन 10 सील मास्टर ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, वो सभी के सभी सील मास्टर जीनियस हुआ करते थे, और वो ज्यादातर मजे मजे के लिए ऑर्डिनरी लोगों को भी हंट करता है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें इस बंदे को ढूंढना होगा, वरना हमारे जो कोइंसिडेंस होने वाले हैं फ्यूचर में वो काफी खतरनाक होने वाले हैं। लेकिन हम इसे पकड़े तो पकड़े कैसे, आखिरकार जो बीस्ट है वो क्विकली अपने ट्रैकिंग को पर्सनल रोस्ट कर देता है, जब भी हम इसे ट्रैक करने की कोशिश करते हैं तो हम इसे जो ट्रैक है वो पता नहीं किस तरीके से मिटा देता है, क्योंकि ये पजेस करता है रियर ब्लड लेपर्ड इंस्क्रिप्शन को, जो कि स्पीड में यूटिलाइज करता है और अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर हमारे सरलीस को अवॉइड करने में कामयाब रहता है, और बिना किसी परेशानी के स्ट्रीट में घूमने में कामयाब रहा, हम इसकी करंट लोकेशन को बिल्कुल भी फाइंड नहीं कर सकते। तभी वहां पर एक बंदा आकर चिल्लाते उससे क्या लगता है कि हे चीफ यहां पर एक इंक्रिप्शन एनर्जी दिखाई देने में लगी फ्लक्चुएशन को पीसफुल सिटी में आई मीन पीसफुल स्ट्रीट, और उस इंस्क्रिप्शन एनर्जी को देखकर पता चलता है कि ये आइडेंटिफिकेशन करता है वो उस फेंगजियो ब्लड लेपर्ड इंस्क्रिप्शन के साथ। ये बात सुनकर ये बंदा काफी शॉक होते हैं उससे कहता है कि पीसफुल स्ट्रीट ये तो वही पीसफुल स्ट्रीट नहीं है ना, जिस ये तो वह जगह है जिसे ऑलरेडी अबंडन कर दिया जा चुका है, तो आखिरकार जो फेंग जू है वो वहां पर क्या कर रहा है। यहाँ पर उसका साथी उससे कहता है कि नहीं वहां पर अभी भी जिंदा लोग रहने में लगे हुए, जिसको देखकर वो पूछता है कि कौन रह रहा है वहां, तो उसका पार्टनर उसे बताता कि निंग यू, जो कि हमारे इस हीरो कपल का बेटा है अकेला। जहां पर दूसरा साथी ये बात सुनकर उससे कहने लगता है कि हे चीफ अब जबकि जो फेंग जू है उसने उस अबंडेंट पीसफुल स्ट्रीट को चुना है, इसे ये बात पता चलता है कि वो हमारे लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता, तो आखिरकार हम इस मैटर पर ब्लाइंड आई क्यों नहीं कर देते आई मीन नजरअंदाज क्यों नहीं कर देते, कम से कम उस बंदे को हम प्रवोक तो नहीं करेंगे गुस्सा तो दिलाएंगे, जिससे कि हमारे जो कॉन्सिक्वेंस है वो बकवास तो नहीं हो जाएंगे और हमें फ्यूचर में इसके अंजाम को नहीं भुगतना पड़ेगा। ये बात सुनकर दूसरा बंदा भी इस बात से एग्री होता है और कहने लगता है कि अगर बाकी में जो फेंग जू है वो हम किसी को मारना चाहता है तो हम उसे फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि जो वॉर ब्यूरो है वो ऑलरेडी काफी शॉर्ट स्टाफ हो चुका है, हमारे पास बिल्कुल भी बच्चे आई मीन लोग नहीं बचे हमारे साथ फाइट करने के लिए, हम इस छोटे से मैटर को बड़ी बात बड़ी डील नहीं बना सकते।
ये बात सुनकर उसका चीप चिल्लाते उससे क्या लगता है कि ये एक पर्सन मैटर नहीं। तुम कहना चाहते हो कि वो पर्सन एक पर्सन नहीं? क्या हम वाकई में कैजुअली सैक्रिफाइस कर सकते हैं लोगों को? हम चाहे कुछ भी हो जाए उस फेंगजुए बीस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले, क्योंकि अगर हमने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया तो वो बीस्ट है, वो और भी ज्यादा एरोगेंट बनता जाएगा समय के साथ साथ। और साथ ही ये बात तुम भूल रहे हो कि जिस बंदे को हम सैक्रिफाइस करने वाले हैं वो हमारे इस हीरो कपल का डिसेंडेंट है, वो भी अकेले, जिसने इस पूरे की पूरी सिटी को, ओल्ड फॉक्स सिटी को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया था। तो हमें अपने आप को उसके बेटे को बचाने के लिए सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए? और ये बात सुनकर कोई भी इस बात से एग्री नहीं होता और इधर उधर देखने लगते हैं। इससे ये बात पता चलती है कि कोई भी हमारे एमसी की इज्जत नहीं करता, ना ही अब लोग मर चुके हैं उसके पेरेंट्स तो उसकी बेइज्जती करने के पीछे पड़े तोले हुए हैं, लेकिन उनका चीफ उससे क्या लगता है। यहाँ पर कोई बिग शॉट का इंस्ट्रक्शन के कारण पूरे के पूरे जो उन बास्टर्ड का ग्रुप है ना एजुकेशन ब्यूरो का, वो ट्राई करने में लगा हुआ है हीरो कपल के मैरिज को पूरी तरीके से मिटाने के लिए। लेकिन जो वॉर ब्यूरो है वो कभी भी उन जैसे लोगों की बात नहीं मानेगा, वो इंग्रेंट कहें कि उनकी हिम्मत कैसी ऐसा करने की। तुम सभी के सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे साथ चलो और उन सभी को उस बीस्ट थैंक जियो को मारने में मेरी मदद करो। और फाइनली वो चीफ अपने साथ अपने ग्रुप को लेकर वहां से निकल पड़ता है फाइट करने के लिए। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है फेंगजू और हमारे एमसी निंगयू के फाइट पर, जहां पर फुल फोर्स में वो हमारे एमसी निंगयू पर अटैक करते हैं। उससे कहने लगता है कि जरा मैं भी तो देखूं तो आखिरकार तुम किस तरीके से मेरी इस अटैक को डॉज करोगे। तभी वो फुल फोर्स में हमारे एम्स पर अटैक कर, जैसे कि एमसी के हाथों में कट लग जाता और उसके खून निकल पड़ता है। और उसके खून को चाटते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा मानना पड़ेगा, एक जीनियस का ब्लड वाकई में बहुत ज्यादा डिलीशियस होता है और टेस्टी होता है। निंगयू अभी भी सोचते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हारी स्पीड वाकई में बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन तुम्हारी जो किलिंग पावर है वो बहुत कमजोर है। इसको देखकर इस बंदे की पूरी तरह छटक जाती है और वो हमारा एमसी पर अटैक करते हुए उससे कहने लगता है कि तुम एरोगेंट बंदे कहीं के, जा तुम मर मेरे हाथों से अभी। और तुरंत फुल फोर्स में अटैक करने के लिए हमारे एमसी निंगयू पर कूद पड़ता है। इसको देखकर निंगयू उससे कहने लगता है कि मैं इसी मूवमेंट का तो इंतजार करने में लगा हुआ था, और वो भी अपनी गॉडली पावर का इस्तेमाल करता और उस बंदे की तरफ अपना पंच थ्रो कर देता है, लेकिन किसी तरीके से वो उसे डॉच करने में कामयाब रहता है। और फेंगजी उससे कहने लगता है कि तुमने इसे मिस कर दी लिटिल वन, तुम ऑलरेडी मेरे जाल में फंस चुके हो, अब जो नेक्स्ट अटैक मेरा होने वाला है उसका इस्तेमाल कर मैं तुम्हारी बॉडी के सारे ब्लड को एब्जॉर्ब कर लूंगा और पी जाऊंगा ड्रॉप, और एक भी ड्रॉप नहीं छोड़ने वाला। लेकिन निंगयू हर मानने के लिए तैयार नहीं और कहने लगता है कि बिना मेरी सील की पावर के मैं इतना ही कर सकता हूं, लेकिन अभी भी अगर इसे हराना है तो मुझे फुल पावर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और फाइनली अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता तो वो अपनी गॉड फॉर्म एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि वो वहां पर कुछ भी नहीं कर पाता। और फेंगजू पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये क्या चीज है। इस बच्चे की जो सील पावर है वो वाकई में काफी स्ट्रेंज और काफी पावरफुल है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि मुझे काफी डर लगने में लगा हुआ इस बच्चे से, क्योंकि इस बच्चे की सील पावर काफी डरावनी है। तभी निंगयू इसे चढ़ाता है, उससे कहने लगता है कि तुम मेरा ब्लड नहीं सूखने वाले थे, लो मैं तुम्हें मौका देने में लगा हुआ हूँ, तुम तो इसे ट्राई कर करके नहीं देखते हो, जल्दी आ जाओ। जिसको देखकर इस बंदे को फुल गुस्सा आ जाती है और फुल फोर्स में उससे कहने लगता है कि डैम इट, तुम वाकई में मुझे देखकर मुझ पर लुक डाउन करने में लगे हो, अभी सबक सिखाता हूँ तेरे को, तो चमाइला रुक, तेरे को पता था रे बाबा। और तभी कूद पड़ता है हमारे एमसी पर और कहने लगता है कि तुम मेरी इस एब्सोल्यूट स्पीड का सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, अब तुम्हारा कोई भी चांस नहीं है मुझसे जीतने का, अब तुम स्लोली इंजॉय करो इसको और इंतजार करो अपनी मौत का जो कि मेरे हाथों से तुम्हें मिलेगी। लेकिन जैसे ही अपना लास्ट अटैक करने वाला होता है फेंग जियो, तो हमारा एमसी निंगयू है इसमें का फायदा उठाते हुए अपनी गॉडली पावर को एक्टिवेट करता है और पाम टेक्निक से उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि फेंग जियो दूर जाकर गिरने लगता है बहुत ज्यादा। और कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अभी उसके साथ हुआ तो हुआ क्या, और इम्पॉसिबल, आखिरकार ये बंदा मेरी स्पीड का मुकाबला कैसे कर सकता है। तुम यहाँ पर ब्लफ करने में लगे हो जरूर। वापस से अटैक करने के लिए कूद पड़ता है और कहने लगता है कि चलो अब देखते हैं कि तुम मेरे इस अटैक से बच पाओगे नहीं बच पाओगे। तो निंगयू भी हार नहीं मानने वाला होता और वो भी उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर अपने गॉड फॉर्म की 10 times स्ट्रॉन्गर बूस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ, जिससे कि उसकी पावर 10 गुना बढ़ जाती है। और फुल फोर्स में फेंगजी ऊपर अटैक करने के लिए हमारा एमसी भी आगे बढ़ता है, और जब उन दोनों की पावर आपस में टकराती है तो वो वहां पर एक जोरदार धमाका दिखाया जाता है और हमारा एमसी उसकी एनर्जी को क्रॉस करते हुए फेंगजी की उसके मुंह पर चेहरे में पंच मारने में कामयाब रहता है। और उसका पंच इतना पावरफुल होता है कि फेंगजू कई सारी बिल्डिंग्स को क्रॉस करते टिप्पा खाते हैं दूर गिरते और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फेंगजू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है और कहने लगता कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है। जहां तक मुझे इस पूरे के पूरे ओल्ड सिटी के सिटीजन के लोगों के बारे में पता हुआ है, वहां पर जितने भी यंग टैलेंट्स हैं उसकी हर एक डिटेल मुझे पता है, लेकिन एब्सोल्युटली मैंने इस जैसे स्ट्रेंथ वाले बंदे के बारे में कभी भी नहीं सुना है, क्योंकि वो इतने पावरफुल बन ही नहीं सकते। मुझे इसे हराने का मेरे पास कोई भी मौका नहीं बचा हुआ है, तो मुझे अगर अपनी जान बचानी है तो यहाँ से भागना होगा। जिसको देखकर निंगयू से कहने लगता है कि तुम अब यहाँ पर इतने ज्यादा इंजर्ड हो, लेकिन अभी भी तुम मुझसे बचकर भाग सकते हो, तुम काफी लेट हो इस बात के लिए। तभी उस चीफ को दिखाया जाता है जो कि अपनी टीम के साथ वहां पर आकर उससे कहने लगता है कि हमें और ज्यादा तेजी से जाना होगा। तो उसका साथी पूछता है कि बॉस आखिरकार हम अपनी लिमिट पर पहुंच चुके,
हम इससे ज्यादा तेज नहीं जा सकते। तो उसका बॉस उससे क्या लगता है कि तुम सभी के सभी लोगों को ये बता दो कि तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते हो, होल्ड कर लो, अपनी एनर्जी को बचाओ और फुल पावर में आगे बढ़ो, क्योंकि हमारी जो प्रायोरिटी है वो जिंदा लोगों को बचाने की है। तभी उनके सामने फेंगजू आ जाता है आसमान। इसको देखकर वो शॉक हो जाता है और क्या लगता है, ये तो फेंगजू है। सभी के सभी लोग बैटल के लिए तैयार हो जाओ। और चीफ ऑर्डर देता है कि तुम एक बात का ख्याल रखना कि ये जो बंदा है वो एक्सट्रीमली डेंजरस है, तो सभी के सभी लोग केयरफुल रहे। और उसका साथी इसको देख कर कहने लगता है कि अब जबकि फेंगजू ऑलरेडी उस स्पीच स्ट्रीट से बाहर आ चुका है, इसका मतलब ये होगा कि जो निंगजू है वो ऑलरेडी निपट लिया है। जिसको देखकर चीफ अपने आप पर काफी गुस्सा होता है और कहने लगता है ये सील मास्टर को एक एक कर हंट करने में लगा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं इसने एक नॉर्मल बंदे निंगजू को भी नहीं छोड़ा जो कि काफी द ऑर्डिनरी था। ये अनफॉरगेटेबल, मैं इस बंदे को माफ नहीं करने वाला। तुम यहाँ पर आग के साथ खेलने में लगे हुए हो, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाला हूँ, तुम्हें इससे अपनी लाइफ से पे करना पड़ेगा। तभी फेंगजू उसको देखकर शॉक होता है, उससे कहने लगता है कि मैंने अभी तक पूरी तरीके से बचकर यहाँ से निकल भी नहीं पाया हूँ और यहाँ पर और भी लोग आ चुके और मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। जैसे ही वो उस पर अटैक करने वाला होता है तभी हमारा एमसी पीछे से आकर उसके पिछवाड़े पर एक जोरदार लात मारता है और फेंगजू दूर जाकर गिर पड़ता है। जिसको देखकर चीफ पूरी तरीके से कंफ्यूज और शॉक होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या चल रहा है। क्योंकि जो फेंगजू है जो निंगयू है वो फेंगजू को बुद्ध से पीटते हुए उससे कहने में लगा था कि तुम यहाँ पर सोच रहे हो कि तुम मुझसे बचकर भाग पाओगे, अब दोबारा भाग के देखा, दोबारा भाग के देखा और उसके मुंह पर दे धनाधर बैक टू बैक पंच मारने लगता। किसी को भी यहाँ का माहौल समझ में नहीं आता था। उसका साथी उससे पूछ लगता है कि बॉस क्या आप इस बात को लेकर श्योर हो कि जो निंगयू था वो एक ऑर्डिनरी पर्सन हुआ करता था? लेकिन जिस तरीके से वो फेंगजू को पीटने में लगा हुआ है इसको देखकर तो लगता है हम ऑरिजिनली में यहाँ पर निंगयू को रेस्क्यू करने के लिए लाए थे, लेकिन जो बंदा इस फेंगजू को बुरी तरीके से पीटने में लगा हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि मैं निंगयू है। क्योंकि जो फेंगजू है वो पूरी पूरी ओल्ड सिटी में काफी ज्यादा इनफेमस रहा है इसके डर्ट के लिए, इसके गंदे कामों के लिए, लेकिन निंगयू के द्वारा इस बंदे को धूल चटाई जा रही है। आखिरकार जो निंगयू है वो एक सील मास्टर कब से बन गया? और इतना ही नहीं बल्कि वो एक लेवल बनकर एंगर पर बन चुका है। लेकिन ये इनहेरिट करने का जो सील को इनहेरिट करने का जो राइट था वो ऑलरेडी रिवोक नहीं कर दिया गया था प्रिंसिपल के द्वारा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं अगर इसने सील को हासिल कर भी लिया है तो वो इतना पावरफुल कैसे बन सकता है कि वो फेंगजू को इतनी बुरी तरीके से पीट रहा है कि उसे धूल चटा? ये पूरी तरीके से अनसाइंटिफिक है, मेरे को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा। तो चीफ को भी ये बात समझ नहीं आती और कहने लगता है ये काफी ज्यादा वियर्ड है, बहुत ज्यादा वियर्ड। जहाँ पर फेंगजू बच नहीं पा रहा होता और मार खाने के बाद कहने लगता है कि मैं और ज्यादा नहीं झेल सकता इस सीन को, मुझे अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना होगा। और वो हमारे एमसी के हाथों से बचकर चंगुल से बचकर निकल पड़ता और अपनी जेब से एक गोली निकालकर उससे कहने लगता है कि तुम तो जानते होगे कि मैं एक बहुत ही बुरा और इविल फिगर, मैंने कभी भी इतनी ज्यादा बेइज्जती को नहीं झेला अपनी पूरी जिंदगी में और अब इसे झेल नहीं सकता और एब्सोल्युटली अपना बदला मैं तुझसे लेकर रहूंगा। और उस पिल को खाने लगता है और जैसे ही फेंगजू उस पिल को खाता तो अचानक से उसकी पावर लेवल बूस्ट हो जाती है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलने लगती है और पूरी तरीके से रीजनिंग खो देता है ये बंदा। और इस बंदे की बॉडी की स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है और उसका साइज भी 3 गुना से ज्यादा बढ़ जाता है, 3-4 गुना, और कहने लगता है कि अब तुम सभी के सभी लोग मेरे हाथों से यहाँ पर मरने वाले हो। लेकिन चीफ इस पिल को देखकर पहचान लेता है और कहने लगता है कि ये तो जियांट ट्रांसफॉर्मेशन पिल है, ये जो पिल है ऑलरेडी फॉरबिडन मेडिसिन में नहीं रख दिया गया था और डिस्ट्रॉय कर दिया गया था ऑलरेडी। तभी हमें पिल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि जो जियांट ट्रांसफॉर्मेशन पिल है वो एक बहुत ही स्पेशल काइंड की मेडिसिन पिल, अगर कोई इसे बंदा कंज्यूम कर लेता है तो जो कोई भी जो सील मास्टर है वो टेम्पररी इंक्रीज हो जाती है उसकी पावर इस पिल को खाने के बाद, उनकी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन इसके जो इफेक्ट होते हैं इस मेडिसिन के वो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी सील मास्टर इसको खाने के बाद पूरी तरह से फ्रेंचाइज हो जाता है और फ्रेंचाइज मतलब पूरी तरह से पासर का स्टेट में चला जाता है और ब्लस्ट तस्ती हो जाता है और वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को मारने के बारे में सोचता है, उसके दिमाग में कोई भी दूसरा ख्याल नहीं आता। और जो जियांट ट्रांसफॉर्मेशन मेडिसिन है वो फुली पूरी तरीके से ह्यूमन रेस के लिए 100 ईयर्स पहले ही बैन कर दी जा चुकी थी। तो फिर आखिरकार ये चीप पिल इसके पास आई कहाँ? इतना समय इसके पास सोचने के नहीं होता, फेंगजू उस चीप पर अटैक कर देता है, उसकी टीम पर अटैक कर देता है। इतना पावरफुल अटैक होने के कारण उसकी टीम मेंबर्स को नहीं झेल पा रहे होते, तो चीफ के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता और वो उससे कहने लगता है कि फेंगजू की जो स्ट्रेंथ है वो ऑलरेडी सरपास कर चुकी है प्रीवियस के लेवल के मुकाबले में कई गुना, हम इस बंदे को हेड टू हेड फाइट कर नहीं रोक सकते, अब तुम सभी को मेरी मदद करनी होगी। और वो अपने एलाइट लेवल के इम्प्रिंट मास्टर मैजिक ब्लेड का टेक्निक का इस्तेमाल करता, जिसको देखकर फेंगजू उसका मजाक उड़ाते हैं, उससे कहने लगता है कि तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक बंच ऑफ आर्ट्स हो, चीटिया हो मेरे सामने, तुम आज मेरे सामने हाथों से मरने वाले हो। जिसको देखकर चीफ उससे कहने लगता है कि तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम डेथ तक इससे फाइट करोगे मेरे साथ। लेकिन हमारा एमसी निंगयू इसकी बकवास नहीं सुनना चाहता और उस पर अटैक करते हुए उससे कहने लगता है कि तुम मेरे बारे में भूल चुके हो क्या, अभी तक हमने अपनी फाइट को पूरी तरह से खत्म नहीं किया। जिसको देखकर चीफ काफी सरप्राइज होते हुए घबराते हैं, उससे क्या लगता है कि तुम जल्दी से वापस आ जाओ, तुम इस बंदे का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तभी फेंगजू हमारे एमसी को मारने के लिए अटैक करते हैं, उससे क्या लगता है कि तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक कचड़ा हो मेरे सामने, अब तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो, चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम कैसे बचोगे, सबसे पहले तो मैं तुझे ही मारने वाला। लेकिन हमारा एमसी यहाँ पर काफी पावरफुल होता है और वो एक पंच इसके चेहरे पर मार, जिससे कि फेंगजू
उसके पावर को नहीं झेल पाता और दूर जाकर गिरता। इस मौका का फायदा उठाकर हमारे एमसी इस बंदे को पूरी तरीके से पीट देते। इसको देखकर चीफ भी काफी शॉक होता है, इस बंदे की हालत खराब हो जाती है और मूव करने के काबिल भी नहीं बचता। और उसे पीटने के बाद कहने लगता है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम कुछ पिल्स खाकर पावरफुल बन जाओगे तो मुझे हराने में कामयाब रहोगे और मुझसे फाइट करने के बारे में तो सोचना ही मत फ्यूचर में। तभी उसके आसपास के चीफ के सबोर्डिनेट्स को देखकर शॉक होते हैं, उससे कहने लगते हैं कि फेंग जू हो, जो कि पूरे पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट, एरोगेंट और ओवर कॉन्फिडेंट रहा करता था, उसे एक पंच में इस बंदे के द्वारा निंगली हुई के द्वारा बेहोश कर दिया जा चुका है। और हम जिसकी बात करने में लगे हैं वो फेंग जू है, जो कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से कई बार सेवरल टाइम्स एस्केप करने में भागने में कामयाब रहा और अब ये बंदा हमारे सामने इस तरीके से अनकॉन्शियस स्टेट में पड़ा हुआ है। इस बात को लेकर मुझ पर भरोसा नहीं हो। और चीफ भी यही कहने लगता कि मुझे भी इस बात पर भरोसा नहीं होता, क्या मैं सपना देखने में लगा हुआ हूँ क्या? जो फेंग जू है इस बंदे के द्वारा इतनी इजिली डिफीट कर दिया जा चुका है। मुझे नहीं पता कि आखिरकार इस बार ये बंदा फेंग जू को हराने में किस तरीके से कामयाब रहा, लेकिन डेफिनेटली इससे ये बात पता चलती है कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जीनियस है अब तक मैंने देखा अपनी लाइफ में उससे ज्यादा। उसके बाद चीफ हमारे एमसी के पास के पास जाकर उससे कहने लगता है कि मैं पूरे के पूरे सिक्योरिटी ब्यूरो की तरफ से तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत दिखाई है और तुमने हमारी मदद की है कैप्चर करने के लिए इन फेमस अनक्लीन कल्टिस्ट फेंग जुओ को। और दूसरे मन में सोचते हुए कहने में लगा हुआ था कि इस जैसा बंदा चाहे कुछ भी हो जाए, इस जैसे बंदे के साथ मुझे अच्छी गुड रिलेशनशिप को कल्टिवेट करना होगा, अपनी रिलेशनशिप बेटर बनानी होगी। फ्यूचर में शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम इसे रिक्रूट करने में कामयाब रहेंगे अपने सिक्योरिटी ब्यूरो में। निंगयू उससे कहने लगता है, ये बात सुनकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी मेरे लिए, मैं वैसे भी यहाँ पर कुछ स्पेशल काम नहीं किया है तुम्हारे लिए। ये बात सुनकर हमारा चीफ उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा हम्बल हो, तुम्हारे पेरेंट्स और तुम बिल्कुल एक जैसे ही लगते हो। ये बात सुनकर निंगयू उससे पूछे लगता है कि तुम मेरे पेरेंट्स को जानते हो? ये बात सुनकर वो चीफ हंसता जोर जोर से और उससे कहने लगता है कि तुम्हारे जो पेरेंट्स है वो काफी रेनोवेट हीरोइक कपल थे, आखिरकार उनके बारे में कौन नहीं जानता। और सीधी शब्दों में कहा जाए तो मैं एक समय पर तुम्हारे पेरेंट्स का स्टूडेंट हुआ करता था। और इतना सब सुनने के बाद भी हमारे एमसी उसे कुछ खास रिएक्शन नहीं देता और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मेरे जो पेरेंट्स है उसके कई सारे स्टूडेंट हुआ करते थे जब तक वो जिंदा रहा करते, लेकिन उनमें से एक भी ऐसा बंदा नहीं आया जो कि मेरी सही समय पर मदद करने के लिए आया हुआ हो, लेकिन जो दूसरों का फायदा उठाना जानते हैं वहां पर कई सारे लोग जरूर थे और जो फीलिंग मेरे मन में हुआ करती थी लॉयल्टी वाली वो सारी की सारी काफ समय के साथ साथ ऑलरेडी गायब हो चुकी है मेरे मन में से और मुझे किसी पर भी कोई भी भरोसा नहीं है। तभी हमारा एमसी उससे पूछता है, खैर वो सब छोड़ो, मैंने तुम्हारी मदद की थी इस अनक्लीन कल्टिस्ट को तुम्हारे पकड़ने में, क्या मुझे इसके बदले में रिवॉर्ड मिलेगा? जिसको देखकर चीफ उससे कहने लगता है कि ऑफ कोर्स ही बात है, लेकिन इस समय पर मैं तुम्हें नहीं दे सकता रिवॉर्ड क्योंकि इसे प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये बात सुनकर निंगयू वहां से जाते उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे बता देना इसके बारे में। इसके इस तरीके के बिहेव को देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है चीफ और उससे कहने लगता है कि मुझे इस बंदे को रिक्रूट करने में बहुत ज्यादा परेशानी आने वाली है, इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला, लगता है कि मुझे अपने चीफ के पास जाना होगा और उनके पास डेफिनेटली कोई रास्ता जरूर होगा मेरे बॉस के साथ। और तभी हमें मॉर्निंग का टाइम दिखाया जाता है निंगयू के घर का से, जहां पर जो लड़की रात को उसके कमरे में घुसकर आ चुकी होती है वो वहीं पर सोने में पड़ी हुई है और सोते सोते जब उसे होश आता है तो वो कहती है, आखिरकार मैं कहां पर हूँ और जो बंदा मिडिल एज बंदा मेरा पीछा करने में लगा हुआ था उस बंदे के बारे में क्या मुझे किसी के द्वारा बचा लिया जा चुका है। तभी निंगयू उसके सामने आता है उससे कहने लगता है कि ओ एक्चुअली मैं तुम्हारे बारे में तो भूल गया था कि तुम अभी भी मेरे घर पर मौजूद हो, मुझे लगता है कि मुझे तुमसे जल्द से जल्द निपटना चाहिए। जिसको देखकर ये लड़की काफी सरप्राइज जाती है और एमसी से कहने लगती है कि ओ वो तुम थे जिसने मेरी जान बचाई है क्या? जिसको देख सुनने के बाद निंगयू उससे कहता है कि तुम ऐसा कुछ कह सकती है, लेकिन वो काफी घबराती है और उससे कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो उस मिडिल एज्ड मैन की जो कि मेरा पीछा करने में लगा हुआ था उसके बारे में क्या? तभी निंगयू उसे बताता है और उससे कहने लगता है कि मैंने उसे ऑलरेडी अनकॉन्शियस कर सिक्योरिटी ब्यूरो के हवाले कर दिया और वो उसे पकड़ कर ले जा चुके हैं। ये बात सुनकर इस बंदी को इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और काफी शॉक हो जाती है और कहने लगती है इम्पॉसिबल है, वो मिडिल एज्ड बेट बंदा कम से कम वन लेवल बन के जो सील मास्टर हुआ करते थे उसके बराबर हुआ करता था, उससे भी पावरफुल मान लो, आखिरकार तुम जैसा बंदा उस बंदे से कहते जीत सकता है? मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये बात सुनकर निंगयू उससे चेहरा बनाता, एक्सप्रेशन अच्छी नहीं देता और उससे कहने लगता है कि वो काफी स्ट्रांग था तुम्हारे मुकाबले में लेकिन मुझे तो ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन ये लड़की इस बात पर भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं है और वो कहने लगती है कि तुम बस ब्रेक करने में लगे, झूठ बोल रहे हो मुझसे, तुम्हारी एज को देखकर लगता है कि तुम इतने पावरफुल नहीं होगे, आखिरकार तुमने झूठ बोलना कहां से सीख लिया? तभी निंगयू अपनी बाहों में उसे उठाता है, गोद में उठाकर उससे कहने लगता है कि तुम काफी ज्यादा बैडली इंजर्ड हो चुकी थी और तुम यहां पर पड़े पड़े यहां पर नहीं रह सकती हो इस तरीके से। इसको देखकर इस लड़की पूरी तरीके से ब्लश मारने लगती है और मन में सोचते हुए कहने लगती है कि भले ये बंदा इतना ज्यादा ब्रेक करने में लगा होता, झूठ बोलने में लगा हुआ, पता नहीं फेंक फेंकने में लगा होता लंबी लंबी, लेकिन यहाँ पर इस बात में कोई डिनाई करने वाली बात नहीं है कि ये बंदा कितना काइंड है और कितना ज्यादा कंपनसेट पर्सन। इसे इस बात का डर था कि जमीन पर सोते सोते शायद मुझे यहाँ पर सर्दी लग जाएगी और वो मेरी मदद करने के लिए अपने बाहों में मुझे उठाकर ले जा रहा है। उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है ये पूरी तरीके से पड़ चुकी हो, लेकिन हमारा एमसी घर के बाहर का दरवाजा खोलता है जिसको देखकर वो कंफ्यूज होती है और कहने लगती है कि मुझे घर के बाहर क्यों ले जाने में लगा हुआ, इसने दरवाजा क्यों खोला बाहर का? लेकिन हमें पता चलता है कि हमारा निंगयू तो उस लड़की को उठाने के बाद बाहर की तरफ फेंक देता है और उससे कहने लगता है कि तुम मेरे घर के अंदर पड़ी हुई थी, अब मैंने तुम्हें बाहर डाल दिया, अगर तुम यहाँ पर मर भी जाती हो तो इससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं।
ये देखकर वो लड़की पूरी तरीके से कंफ्यूज होती है। उसकी जो भी फीलिंग थी अभी कुछ देर पहले वो सारा की सारी जमीन में मिल जाती है, और बिना कुछ सोचे समझे हमारा एमसी उसे छोड़कर वहीं पर चला जाता है, जिसको देखकर वो घबरा जाती है और उससे कहने लगता है कि सर एक मिनट रुको, क्या तुम वाकई में मेरी मदद नहीं करना चाहते थे क्या? लेकिन निगी उससे कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर एक गलत फहमी हो रखी है, मैं सिंपली उस बंदे को अपने आप को और अपने घर को डिस्ट्रॉय करने से रोकने रोकने वाला था, इसलिए मैंने उससे फाइट की थी, ना कि तुम्हें बचाने के लिए। ये बात सुनकर वो लड़की के सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि तुम मुझे अभी बचाना चाहिए मुझे। लेकिन निगी तुरंत उससे एक्सप्रेशन बदल देता है और कहने लगता है कि इससे मेरा कुछ भी लेने देने नहीं है, तो मैं तुम्हें क्यों बचा। तभी वो लड़की जोर से चिल्लाती है उससे कहने लगती है कि सर एक मिनट रुको, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम एक सील मास्टर हो और शायद तुम्हें इंप्रेशन ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए, ताकि तुम इंप्रेशन पावर को एब्जॉर्ब कर सको, और मैं एक्सचेंज कर सकती हूँ इंप्रेशन ऑब्जेक्ट को तुम्हारे लिए, ताकि तुम मेरी जान बचा सको और मेरी मदद कर सको। ये बात सुनकर हमारा एमसी तुरंत उससे बात से एग्री हो जाता और काफी एक्साइटमेंट नजरों से उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगता है कि ओ माय, तुम तो मेरे लिए काफी ज्यादा रेस्पेक्टेड गेस्ट हो, तुमने इसके बारे में क्यों बताया, पहले क्यों नहीं बताया, तुम इस तरीके से ग्राउंड पे क्यों पड़ी हुई, चलो चलो मेरे साथ अंदर चलो। तभी हमें इनसाइड सिक्योरिटी ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है, जिसका नाम हु जेंग दुआ हुआ, जो कि किसी से कहने में लगा हुआ था। जो क्रिमिनल्स की पावर है वो समय के साथ साथ स्ट्रांग बनती जा रही है और हम उनको पकड़ना हमारे लिए और भी ज्यादा कठिन होता जा रहा है। रिसेंटली में यहाँ पर 10 वीक्सीज इंसिडेंट हुए थे हमारे इस सिटी में, और सिर्फ हम एक क्रिमिनल्स को पकड़ने में कामयाब रहे थे, और हमारे लिए वाकई में बहुत ज्यादा पेनफुल रहा ये सब, और हमारे सिक्योरिटी ब्यूरो की जो कॉस्ट है उस एक बंदे को पकड़ने में वो काफी ज्यादा भुगतना पड़ा था, और हमारी कितनी कैजुअलिटीज भी होती है उसे पकड़ने के लिए। यहाँ पर ये बंदा अपने चीफ के पास भगते भगते आकर उससे कहने लगता है कि मेरे पास एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है रिपोर्ट करने के लिए आपके लिए। तो उसका चीफ उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर तुम्हारे जो एक और ऑपरेशन था वो फेल्ड हो चुका है क्या? मुझे पता था, तुम मुझे पता है इसके बारे में, तुम ट्राई कर सकते हो नेक्स्ट टाइम, तुम्हें तो उदास होने की जरूरत नहीं है। और वो भी काफी ज्यादा लटक जाता है, उसका तभी भी शौक होती है, उससे कहने लगता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं हमने फेंग जू को पकड़ लिया। तो ये बंदा उससे कहने लगता है कि फेंग जू काफी द हैबिचुअल ऑफेंडर है हमारा, और कई बार हमारे कैप्चर से भागने में कामयाब रहा है, और उसे पकड़ना हमारे लिए काफी द आसान नहीं। लेकिन तभी वो ध्यान से जब इस बातों को सोचता है तो कहने लगता है क्या तुमने उसे पकड़ लिया, तुम फिर से क्या ना तुमने अभी भी मुझसे क्या कहा? तो वो बंदा उससे कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही सुना, हमने सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया है उस फेंग जू को। ये बात सुनकर वो चीफ काफी खुश हो जाता है और कहने लगता है कि डैम तुम कहीं गए, तुमने तो वाकई में मौज बांध दिया, फाइनली तुमने यहाँ पर एक ऐसा काम कर दिया, कांड कर दिया जिसको मैं तारीफ कर सकता, इस बार तुमने मेरा दिल जीत लिया, तुम मुझे जल्दी से बता कि आखिरकार जो बैटल थी वो काफी द फायर थी, कितनी कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा। जिसको देखकर वो बंदा उसे बताने लगता है कि जो बैटल थी वो वाकई में फायर थी, वो तो बात सही है, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई भी कैजुअलिटीज नहीं रही। इसको देखकर ये बंदा और भी शॉक हो जाता है और क्या लगता है कि बिना कैजुअलिटी को तुम उसे पकड़ने में कामयाब कैसे रहे, तो मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे ना। तो ये बंदा उसे सब कुछ क्लीन कर बताता है और उससे कहने लगता है कि हम लोगों ने उसे दरअसल फाइट भी नहीं की थी, उस सारा का सारा जो क्रेडिट है वो निंगयू को जाता। ये बात सुनकर वो कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि निंगयू तुम इस हीरोइक कपल के बेटे के बारे में बात कर रहे हो? तभी बताता है कि आपने बिल्कुल सही सुना, मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये सडनली अचानक से एक इम्प्रिंट मास्टर कैसे बन गया, लेकिन मैं ये बात कंफर्म कर सकता हूँ उसकी स्ट्रेंथ को देखकर, उसके टैलेंट को देखकर, कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है अभी तक मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, यंगेस्ट पर्सन में। ये बात सुनकर इस बंदे को चीज को बिल्कुल भी इस बात पर भरोसा नहीं होता और उससे कहने लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही एक्सग्रेट करने में लगी हो, जहां तक मुझे पता है कि इस पूरे के पूरे ओल्ड सिटीजन में सिर्फ और सिर्फ 5 ही ऐसे यंग पीपल जो कि फेंग जियो को हरा सकते हैं, और निंगयू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तुम कहना चाहते हो उन सभी। ये बात सुनकर वो बंदा उसे बताता है कि अगर क्या हो कि जो फेंग जियो है वो इस समय पर जियांट कैप्सूल पिल ले लियो और तब निंगयू ने उसे हराया हो तो। ये बात सुनकर वो और भी तो शॉक हो जाता और कहने लगता है कि जियांट कैप्सूल के आइटम को ऑलरेडी कई समय पहले बैंड नहीं कर दिया जा चुका था। ये बात सुनकर वो उसे बताता है, उससे कहने लगता है कि यही बात तो मुझे काफी अजीब चीज महसूस होने में लगी हुई है और यही चीज मुझे काफी स्ट्रेंज भी लगी, और इसलिए मैंने अरेंज कर लिया है अपने लोगों को जिससे कि कोई फेंग जियो से जाकर क्वेश्चन करे और पता करे कि ये आइटम आया कहां से उसके पास। हम डेफिनेटली उस बंदे को इंटरोगेट करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्लूज के पता लगाने के लिए, और ऐसा करने तो शायद हमें न्यूक्लियन कल्ट के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी जिससे कि हमारे लिए फायदेमंद रहेगा और उनके लोगों लोकेशन के बारे में भी पता लगा सकते हैं। ये बात उनका चीफ उससे कहने लगता है कि सर एक मिनट रुको, तुम्हारे कहने का मतलब जो निंग यू है उसने फेंग जियो को हरा दिया था जियांट कैप्सूल लेने के बाद? तो बंदा कहने लगता है कि आपने बिल्कुल सही सुना, मैं यही कहना चाहता हूं, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं उसे हराने के लिए निंग यू ने सिर्फ और सिर्फ एक पंच का इस्तेमाल किया। ये बात सुनकर और भी ज्यादा शौक हो जाता है ये बंदा, और तुरंत उसकी कॉलर पकड़कर उससे कहने लगता है कि जबकि ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग प्रोडिजी है तो आखिरकार तुमने इस बंदे को रिक्रूट क्यों नहीं किया? क्या तुम वाकई में प्रोडिजी वाले लोगों की वैल्यू नहीं करते हो? क्या तुम्हें उसे रिक्रूट करना चाहिए था तुरंत ऑन द स्पॉट? ये बात सुनकर वो बंदा उसके घबराते हुए उससे कहने लगता है कि मैंने उसे रिक्रूट करने के बारे में ट्राई तो किया था, लेकिन इस बंदे को देखकर ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ बात भी नहीं करना चाहता। तभी चीफ उस पर झोड़ता है और चिल्लाते हैं, उससे कहने लगता है कि ये तो काफी परेशानी वाली बात है, कोई बात नहीं, ये छोटा मोटा मैटर है मेरे लिए। अगर किसने कहा था कि तुम्हें इतने ज्यादा अगली बंदे होने के बाद उसे रिक्रूट करने के लिए जाओगे, तो मैं किसी हॉट बंदे को भेजना चाहिए था। अब बाकी समझ गए होंगे इसके कहने का मतलब क्या। ये बात सुनकर इसके बंदे के दिल पर लग जाती है ये बात, भाई इसकी बेइज्जती करा खुलेआम, और कहने लगता है कि जनरल ये आपको ज्यादा ही बकवास करने में लगे हुए, तुम मेरे कैरेक्टर के बारे में बेइज्जती कर सकते हो, इंसल्ट कर सकते हो, लेकिन मेरे लुक्स के बारे में नहीं। लेकिन फिर भी आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हम बिना कंप्लीटली
बिना चांस के यहाँ पर नहीं आए हैं। हम इस मौके का फायदा उठाकर उसे रिवॉर्ड के तौर पर उसे दे सकते हैं और रिक्रूट करने के उससे पूछ सकते हैं। ये बात सुनकर चीफ और भी एक्साइटमेंट से भर जाता है और कहने लगता है कि तुम बिल्कुल सही कहने में लगे हुए हो, हमारे पास उसे रिक्रूट करने का अभी भी एक मौका बचा हुआ है। ठीक है, तुम सारे के सारे रिवॉर्ड को तैयार कर लो, मैं पर्सनली जाने वाला हूँ डिलीवर करने के लिए रिवॉर्ड को निंगयू के पास और एक्सप्रेस करूंगा उसका अटमोस्ट सिंसियरिटी हमारे पूरे के पूरे गार्ड ब्यूरो की तरफ से। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, तुम पूरे के पूरे वर्ल्ड को ये बारे में अपने आई मीन जितने भी टीम मेंबर्स थे उन्हें इस बारे में समझा देना कि दुनिया वालों को ये बात बताना कि हम क्लेम करने वाले हैं कि निंगयू ने हमारी मदद की थी उस बंदे को पकड़ने के लिए, ना कि पूरी तरीके से अकेले उसने पकड़ा उस बंदे को। चाहे कुछ भी हो जाए, हम फेंगजू को डिफीट करने वाले जो इन्फॉर्मेशन है उसे रिवील नहीं कर सकते दुनिया वालों के बारे में कि उसने अकेले उस फेंगजू को पकड़ा था। ये बात सुनकर ये बंदा समझ जाता है और उससे कहने लगता है कि जी बॉस, जो हमारा गार्ड व्यूरो है वो अभी भी इस बारे में अच्छी तरीके से समझता है कि आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन आप ये बिल्कुल सही नहीं करने में लगे हुए हो। इस तरीके से हमारा जो गार्ड व्यूरो उसका जो फेस है वो तरीके से खराब हो जाएगा, हम दूसरा क्रेडिट कैसे ले सकते हैं। ये बात सुनकर उसे गुस्सा आती है और कहने लगता है कि तुम अपनी बकवास करना बंद करो, हम सिर्फ और सिर्फ उस बंदे को रिक्रूट ही नहीं करेंगे और ना ही उसे करने की आई मीन हमें रिक्रूट करने की सिर्फ जरूरत ही नहीं है बल्कि मैम उसे प्रोटेक्ट करने की भी जरूरत है। वर्ण नो क्लैन कल्ट के लोगों के बारे में पता चलेगा कि जो निंगयू के जो टैलेंट है वो इतना ज्यादा पावरफुल है तो वो डेफिनेटली उसे असैसिनेट करने के बारे में सोचेंगे, उसे मारने के बारे में सोचेंगे। तभी हमें दूसरा सीन दिखाया था लग्जरियस व्लाक के सिटी के सेंटर जहां पर शेनजियान अभी भी कल्टीवेट करने में लगा हुआ है उस सील को जो कि हमारे एमसी ने उसे दान में दी थी। जहां पर उसका प्रिंसिपल उसको देखकर कहने लगता है कि इसकी जो पावर है शीप लेवल आयरन फिस्ट इम्प्रिंट की वो एक्सट्रीमली स्ट्रांग है और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है कम्प्लीटली इसे मास्टर करना। लेकिन शेनजियान इसे मास्टर करने में किस तरीके से कामयाब रहता और एब्जॉर्ब करने के बाद तुरंत दीवार पर दे मारता ट्राई करने के लिए। इसकी इतनी पावर देखने के बाद वो प्रिंसिपल भी काफी शॉक होता है और कहने लगता है कि तुम तो वाकई में काफी स्ट्रांग हो, अब तो हमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, इस पावर का इस्तेमाल कर तुम निंगयू को हराने में कामयाब रहोगे बिना किसी परेशानी के। और मानना पड़ेगा ये शीप लेवल सील कहलाने के काबिल है और आपने इसको एक्टिवेट करने के बाद इसकी जो 5% पावर है उसको भी हासिल कर लिया है। और अपनी पावर चू ऑफ करने के बाद शेनजियान प्रिंसिपल से कहने लगा है कि कल मैं वापस से एकेडमी में जाने वाला हूँ उस फ्लोटिंग पकौड़ा ट्रायल को लेने के लिए और मैं पूरे के पूरे एकेडमी को जो दिखाने वाला हूँ कि आखिरकार मैं कितना पावरफुल हूँ और अपनी स्ट्रेंथ को शो ऑफ करूंगा सभी के सामने। ये बात सुनकर प्रिंसिपल मुस्कुराता है और उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उससे कहने लगता है कि अब तुम्हारे पास यंग लेवल का इम्प्रिंट मौजूद है ऑलरेडी तो तुम डेफिनेटली उस फ्लोटिंग पकौड़ा के रिकॉर्ड को तोड़ने में कामयाब रहोगे। और ये बात सुनकर ये भी काफी ज्यादा खुश होते हैं, उससे कहने लगता है कि ये तो श्योर सी बात और मैं चाहता हूँ कि तुम फटाफट से निंगयू का जो सस्पेंशन ऑर्डर है उसे इमीडिएटली कैंसिल कर दो और मैं चाहता हूँ कि ये बंदा कल स्कूल में जरूर आएगा और मैं उस वक्त सभी के सामने उस बंदे को पूरी तरीके से क्रिपल कर दूंगा, उसकी हड्डी बड्डी तोड़ दूंगा जिससे कि वो फ्यूचर में कभी भी मुझसे पंगे लेने के लायक नहीं बचेगा। जिसको देखकर प्रिंसिपल भी काफी एक्साइटमेंट से भर जाता है और इससे कहने लगता है कि मैं आपके ऑर्डर को समझ सका हूँ, मैं अभी अरेंज करता हूँ आपके लिए। दूसरी तरफ हमारे एमसी निंगयू का रूम को दिखाया जाता है, वो लड़की उसके बेड पर पड़ी होती और हमारा एमसी जाते उससे कहने लगता है कि तुम जहाँ पर तुम्हारी बॉडी को चेकअप करने के बाद पता चलता है कि तुम्हें छोटी मोटी चोट लगी हुई है और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई भी सीरियस घाव नहीं है, तुम थोड़ी सी मेडिसिन लो लोगे तो पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। और उसके मुंह में अपनी उंगली डालकर उससे कहने लगता है कि अच्छी बच्ची बनो और अपना मुंह खोल। जिसको देखकर इस लड़की पर डाउट होता है और लड़की आई मीन एमसी पर डाउट होता है और उससे पूछ लगती है क्या तुमने कभी भी मेडिसिन के बारे में पढ़ा है क्या, तो है हमारा एमसी कहने लगता है कि मैंने कभी नहीं पढ़ा। ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम रैंडम ड्रग्स मुझे खिलाना बंद करो, इससे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं मेरी बॉडी। तभी निंगयू उससे कहने लगता है कि तुम रिलैक्स हो जाना चाहिए, तुम्हारी इलनेस को देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम ज्यादा बीमार नहीं हो और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला, मैंने अपने आप को कई सारे समय से ठीक करते हुए आ रहा हूँ तो मुझे थोड़ी बहुत तो नॉलेज मौजूद है इसके अंदर। और मन में बस सोचते हुए कहने लगता है कि जब से मेरे पेरेंट्स मरे हुए हैं तब से मैं इस वर्ल्ड में अकेला हूँ और मैं कई बार कॉन्स्टेंट एब्यूज से मुझे गुजरना पड़ रहा है और फाइटिंग से और कारण मुझे कई सारा हट चोट लग जाती थी और चोट से अपने आप को ठीक करने के लिए कई बार मैंने अपने आप को मलम पट्टी लगाने की कोशिश की थी और इसलिए मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज आ चुकी है और कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ जो लड़की गुस्सा करते हुए पाउट करते हुए गुस्से मारे चेहरा बनाते हुए उससे कहने लगती है कि अगर जिस मेडिसिन के कारण मुझे कोई परेशानी हो जाती है तो तुम्हें इस बात के लिए रेस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा। ये बात सुनकर निंगयू उससे कहने लगता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए रेस्पॉन्सिबल बनने के लिए तैयार हूँ, अब जल्दी बहुत होगी बकवास, हम तो जल्दी से उस प्रिंट को बाहर लेकर। जिस बात को सुनकर वो लड़की उससे कहने लगती है कि कितने ज्यादा परमेटिक गाय हो तुम, वाकई में तुम तो मेरे बारे में चिंता भी नहीं कर रहे, और तुरंत से हमारे एमसी को एक जेड सील पकड़ा देती। इसको देखकर वो कंफ्यूज होता है और उसको देखकर कहने लगता है कि मैं इसके अंदर से पावरफुल इंप्रेस की पावर को महसूस कर सकता और तुरंत वहीं पर उसे एब्जॉर्ब करने के लिए बैठ जाता। जिसको देखकर वो लड़की पूरी तरह से शॉक और कंफ्यूज हो जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम वाकई में इतने इंपेटेंट हो, इतनी जल्दबाजी क्यों मचाने में लगी हो और वो भी एब्जॉर्ब करने में लगी, वो भी अभी के अभी। तुम्हें तो पता ही होगा जो इस इम्प्रिंट को एब्जॉर्ब करने के लिए कम से कम तुम्हें डेज भी लग सकते हैं और 100 डेज भी लग सकते हैं। लेकिन तभी अचानक से हमारे एमसी की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा पावर रिलीज होती है और पता चलता है कि हमारे एमसी ने एक ही झटके में सारी की सारी पावर को रिलीज कर लेता है, आई मीन उस इम्प्रिंट में से सारी की सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो इम्प्रिंट वहीं पर टूटकर चूर चूर हो जाता है। जिसको देखकर एमसी पुत्र से कंफ्यूज होता और कहने लगता है कि वाओ मैंने इतनी जल्दी एब्जॉर्ब कर लिया। इस लड़की को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार इसके साथ ये सब क्या चलने में लगा हुआ है और शॉक होते उससे कहने लगती है कि इतना तेज आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या मैंने इसे वाकई में फेक या फिर नकली दिया था। लेकिन निंगयू उसे बताने लगता है कि इस इम्प्रिंट चार्ट का इस्तेमाल करने के बाद मेरी पावर 2% तक पहुंच चुकी है,
क्या तुम्हारे पास और भी मौजूद है, मैं तुम्हारे साथ ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन ये लड़की तुरंत उसे मना कर देती है और उससे कह लगती है कि तुम एक इम्प्रिंट मास्टर हो, क्या तुम्हारे पास कोई भी चैनल्स नहीं है उसे एक्वायर करने के इम्प्रिंट्स को। इसको देखकर वो पूरी तरह से शॉक होता है और मना करते कहने लगता है कि नहीं। लेकिन इस लड़की को इस बात पर भरोसा नहीं होता और उससे कहने लगते कि ये इम्पॉसिबल है, एक बार तुम इम्प्रिंट मास्टर बन जाते हो तो तुम अर्न कर सकते हो इम्प्रिंट्स को, अगर तुम अकेडमी के जो मिशन होते हैं उन्हें चैलेंज करोगे उसके साथ। कहीं ऐसी बात तो नहीं है, कहीं तुम इसे वाकई में इसके बारे में नहीं जानते हो क्या। जिसको देखकर हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मैं अभी अभी तो कल ही के समय तो इम्प्रिंट मास्टर बना, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ इसके बारे में नॉलेज हासिल नहीं है। जब ये बात इस लड़की को पता चलती है तो उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगते हैं कि अच्छा अब मुझे समझ में आया कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी क्यों नहीं पता, लेकिन तुम अभी भी यहाँ पर ब्रेक करने में लगे हुए थे कि तुमने उस मिडिल एज्ड डूड को बिना किसी परेशानी के पीटने में कामयाब रहे थे। तुम वाकई में कितने थिक स्किन को मानना पड़ेगा। हमारा एमसी की बकवास को बंद करता है और उससे कहने लगता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सारे के सारे जो अकेडमीज होती है वो वाकई में इम्प्रिंट आइटम्स को प्रोवाइड करवाती है जो भी चैलेंज मिशन को कम्प्लीट करता है, चैलेंज करता है। जिसको देख कर वो लड़की उसे बताने लगती है कि ऑफकोर्स ये बात है, ये एक प्रिविलेज है जो कि सिर्फ और सिर्फ इम्प्रिंट मास्टर को मिलता है हर एक अकेडमी में। जिसको देखकर हमारा एमसी काफी ज्यादा उदास होते उससे कहने लगता है कि डैमेड, ये तो काफी ज्यादा बुरी बात हुई है क्योंकि मुझे इस अकेडमी से ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर दिया जा चुका और मैं वापस अकेडमी में नहीं जा सकता। तभी उसका मोबाइल जोर जोर से बचने लगता है तो मोबाइल में देखता है तो मैसेज आता है कि तुम्हारे अकेडमी के परमिशन पनिशमेंट को रिवोक कर दिया जा चुका है और तुम्हें परमिशन मिल चुकी वापस से आने की, तो तुम्हें कल स्कूल आना पड़ेगा, अगर तुम लेट होती हो तो अपने रिस्क पर होना। इसको देखकर हमारा एमसी काफी खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है कोई यहाँ पर मुझे मैसेज करने में लगा हुआ, जब मैं सोने में लगा हुआ तो मुझे कोई तकिया भेजने में लगा हुआ, एक आइडियम का इस्तेमाल कर रहा है कहावत। तभी हमें सेकंड डे का दिखाया जाता है इंटरमीडिएट इम्प्रिंट अकेडमी, सेकंड इंटरमीडिएट इम्प्रिंट अकेडमी का सीन, और सभी की सभी को लिंगियों को देखकर आपस में खुश फसाते हुए उससे कहने में लगे होते कि ये बंदा लिंगियों नहीं है, आखिरकार ये बंदा वापस कैसे आ गया। दूसरा बंदा उससे कहने लगता है कि मैंने सुना है कि जो अकेडमी है उसने ऑलरेडी इसके पनिशमेंट को रिवोट कर दिया और वैसे भी जो चेंज है ना उसने अपने इम्प्रिंट को एक्टिवेट कर लिया जो कि ऑरिजिनली इसका हुआ करता। तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर ये वाकई में इस बंदे को इस वक्त पर वापस नहीं आते तो इससे अकेडमी की रेपुटेशन पर अफेक्ट पड़ता जो कि ऐसा नहीं चाहते थे अकेडमी। इनके ये बकवास सुनने के बाद हमारा एमसी निंगियो मन में सोचते हुए कहने में लगा होता कि अगर वाकई मैं उस शेन जियान को बुरी तरीके से बुली करने के लिए, उसे बदला लेने के लिए और बहुत ज्यादा इम्प्रिंट आइटम्स को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर नहीं आया होता अकेडमी में, तो मैं कभी भी इस अकेडमी में वापस आने के बारे में सोचता भी नहीं, कदम भी नहीं रखता खुद से अपने मन से। तो तभी दूसरा बंदा बात करते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने के बारे में जरूरत नहीं है, इसके बारे में मैंने सुना कि जो शेन जियान है वो इस फ्लोटिंग पगोड़ा को चैलेंज करने वाला है और वो ऑलरेडी इम्प्रिंट आइटम्स कलेक्ट कर लिए हैं उसमें से कई सारे, चलो जाकर देखते हैं कि आखिरकार वहां पर क्या हो रहा है। ये बात सुनने के बाद सभी शॉक हो जाते हैं और इससे कह लगते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या वो सेंट जॉन वाकई में इतना स्ट्रांग हो चुका है अपने इस इम्प्रिंट को एक्टिवेट करने के बाद। खैर इसके बारे में ये सच है या फिर झूठ है वो तो हमें वहां पर जाकर देखकर पता चल ही जाएगा। जब हमारे एमसी को इस बारे में पता चलता है तो वो काफी खुश हो जाता है और इससे कह लगता है कि इम्प्रिंट आइटम सेंट जॉन ये दोनों के दोनों चीजें एक ही जगह पर मौजूद है, अब मुझे वहां पर जाना चाहिए, लगता है कि मेरी किस्मत चमक चुकी है और इसकी अच्छी तरीके से धोने वाला हूँ। और वह पहुंच जाता है फटाफट से उस पकौड़ा के पास, जहाँ पर सभी लोग स्टूडेंट उसे देखकर कहने में लगे हुए थे कि ये काफी द प्रीशियस फ्लोटिंग पकौड़ा है, इस पूरे के पूरे अकेडमी का एक ट्रेजर है ट्रेजर, और यहाँ पर टोटल मिलाकर 9 फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर को गार्ड किया जा रहा है एक पावरफुल गार्डियन के द्वारा जो कि कंडेंस करता है एक इम्प्रिंट पावर के द्वारा, गार्डियन को कंडेंस किया जा रहा है इम्प्रिंट पावर के द्वारा, और जिनके पास स्ट्रेंथ नहीं स्ट्रेंथ नहीं होती और पोटेंशियल होता है उन गार्डियंस को इंजर्ड करने के लिए उन्हें रिवॉर्ड दिया जाता है। अगर तुम किसी भी तरीके से उस गार्डियन को डिफीट करने में कामयाब रहे, हराने में कामयाब रहे तो तुम्हें इम्प्रिंट आइटम रिवॉर्ड की तरह दिया जाएगा, और जितना ज्यादा हायर तुम फ्लोर के ऊपर चढ़ते जाओगे क्लाइम करते जाओगे उतना ही ज्यादा तुम्हें जनरस रिवॉर्ड मिलते जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो सेन जी है वो एक्चुअली में ब्रेक थ्रू कर सकता है फोर्थ फ्लोर पर, वो भी इतनी जल्दी। अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार ये एक शीप लेवल का इम्प्रिंट मास्टर, वो भी ह्यूज पोटेंशियल के साथ। ये बात सुनकर हमारा एमसी उसको देखकर कहने लगता सुन के बाद, ओह तो अब समझ में आया, जो फ्लोटिंग पकौड़ा है वो इम्प्रिंट आइटम्स प्रोवाइड करवाता है हर एक फ्लोर को पास करने, और ये परफेक्ट चीज है मेरे लिए। तो तभी यहाँ पर हमारे एमसी की नजर किसी बंदे पर जाती है और पता चलता है कि ये तो डायरेक्ट हुआंग डायरेक्टर जो कि यहाँ पर झाड़ी पहुंचा काम करने में लगा हुआ। इसको देखकर वो डायरेक्टर खुश होता है और उससे कहने लगता है कि निंगजी हुए काफी समय बाद मिले। जब निंगजी हुए उसको इसकी हालत में देखता है तो काफी कंफ्यूज होते हैं, उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम इस तरीके से एक जूनिटर कैसे बन गए, साफ सफाई काम करने वाले कैसे बन गए। और दूसरे मन में सोचते हुए कहने में लगा होता है कि जो डायरेक्टर हुआंग का नेम है वो पूरा हुआंग चैन है और वो इस अकेडमी के डायरेक्टर इंस्ट्रक्टर हुआ करते और ये अकेले एक ऐसे बंदे हैं जो कि पूरे के पूरे अकेडमी में सबसे ज्यादा चिंता मेरी करते और मेरी चिंता करने इनके अलावा कोई भी नहीं करता। जिसको देखकर वो शॉक होते हैं उससे कहने लगता है क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उस वक्त जब आप शेन जियान को वो इम्प्रिंट देने के लिए एग्री नहीं हुए थे उसके कारण ये सारे की सारी सिचुएशन आपके साथ हो रखी है। और बताया जाता है जब बैंग उस समय पर जब मैंग सिंह जी ने जी डिसाइड कर लिया था कि उस इम्प्रिंट को शेन जियान को दिया जाएगा तो जो हुआंग चैन है वही एक अकेला ऐसा बंदा था पूरे के पूरे अकेडमी में जो कि इस चीज को रोकने के लिए आगे आया और उनके साथ आर्ग्यू की और हमेशा निंगयू के लिए इंसाफ करने के लिए बात की उनसे।
यहाँ तक उसने प्रिंसिपल के साथ भी बहस करना चालू कर दी थी और जो मैंग ची है उसके साथ फाइट करने के लिए भी रेडी हो गया। लेकिन फाइनल रिजल्ट यहाँ पर निकला वो बिल्कुल भी सेटिस्फेक्टरी नहीं रहा, जो इम्प्लेंट था वो उसे उसके द्वारा ले लिया गया। और इसी जानकारी के साथ मैं इस पार्ट को यहीं पर खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे चैनल को, जो हमारा सब्सक्रिप्शन का गोल है उसे कम्प्लीट कराने में मदद कीजिए। और ऐसी मजेदार वीडियो के लिए कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना मत भूलेगा, लाइक करोगे तो इंप्रेशन बढ़ता है यार वीडियो का, और मुझे ही पता चलता है कि हाँ कितने लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, सीरीज को पसंद कर रहे हैं। तो अगर आप लोग सही से कंप्लीट कर देते हैं लाइक्स को तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के इतना ही, बाय बाय, सुनरा एंड साइनिंग आउट। अपना ख्याल रखिएगा सभी लोग, बाय।